बहुत अच्छा है। मेरा भी ड्रेस बहुत सुपर है। अरे रे 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 रे, इस ड्रेस में तुम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ये ड्रेस किसने पहनाया? बड़े दादाजी ने पहनाया। अरे तुम तो सुपरमैन लग रहे हो, तुझे ड्रेस किसने पहनाया? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चाचा जी, आप भी सत्यनारायण पूजा के लिए इतना सवरना जरूरी है क्या? ऐसा मत सोचो बेटा, भगवान नाराज हो जाएंगे। देखो धोती ऐसा पहना करते हैं, देखो तो कितने सुंदर लग रहे हो। नमस्ते जी, आइए आइए बैठिए। बेटी कल्याणी, तेरे पति कहाँ है? वो देखिए पिताजी आ रहे हैं। क्यों रे, ऐसा क्यों चल रहा है? क्या करूँ चाचा जी, धोती पहनना इतना मुश्किल है कि अंग्रेजों ने पैंट पहनना सिखा दिया। बकवास बंद करो, धोती पहनने वाला ही असली हिंदुस्तानी होता है, पहनो। भाभी भैया कहाँ है? वो देखो आ गए। आइए रामकिशन जी, आइए आप यहाँ बैठिए, और श्रीमती जी आप इनके बाईं तरफ बैठिए। आप शुरू कीजिए, मैं आप भी आता हूं। आप बैठिए भाभी, मैं हूं ना काम करने के लिए, आप बैठिए। ये ऐसा ही है बिजनेस में, ये मुझे कुछ करने नहीं देता है और घर में तुम्हें कुछ करने नहीं देता। हाँ तो चिंटू कहाँ है, तुमने कहीं भेजा है क्या उसे? वो मेरे भेजने से जाएगा क्या? अपनी मनमानी करते हुए घूमता रहता है। भैया पर इतनी नाराजगी, बेचारे भैया वीडियो वाले को लाने गए हैं। अरे रुको रुको रुको, यही घर है। वो देखो भैया आ गए। वो तेरा भैया नहीं, उसका दुम है ना। 40? इतना बहुत कम बोला सर। कम कैसे यार, 40 बोले तो 70 हुए ना। 40 बोले तो 40 होता है। 40 रुपए? उसके जाने के पहले क्यों नहीं बताया? 30 का चुना लग गया, इसलिए तो घोचू। तेरे बटुए से ऑटो वालों को दे दिया। सुनिए श्रीमती जी, पत्नी को पति के दाएं बाजू नहीं बाएं बाजू बैठना चाहिए। वो किस लिए? पति का जी बाएं तरफ रहता है इसलिए। तुम चुप रहो। शरीर की कीमती चीज सिर्फ दिल होती है, जो बाएं तरफ ही होती है, इसलिए पत्नी को हमेशा दिल की तरह पति के बाएं तरफ ही बैठना चाहिए। ओहो, अरे मुझे क्या देख रहे हो यार, सबको कवर करो, पूजा को कवर करो, पुजारी को कवर करो, अंकल को कवर करो, आंटी को कवर करो, सबको कवर करो यार। अरे भाई पहले तू कैमरे के आगे से तो हट जा। वीडियोग्राफर को तुम क्यों लाए हो भला, मेरा बेटा कहाँ है? कोई जान पहचान वाले अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे, उन्हें भर्ती करने के लिए गए हैं। कौन है वो लोग? पता नहीं अंकल, लेकिन मैं मदद करने में अपने ताऊ की तरह बनूंगा, ऐसा कहकर वो हमेशा आपकी तारीफ करता है। मत करो, छोड़ दो मुझे, नहीं। आओ बहन, ये लो माचिस, जला दो इसे। नहीं मुझे छोड़ दो। आई लव यू ना बोली तो लड़की को जला देगा क्या? एसिड डालकर जान से मारने की धमकी देगा तो लड़कियां प्यार करेगी क्या? जला कर राख कर दो हरामी को। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मौत मुझे। को अपने सामने देखकर तेरी पैंट गीली हो गई क्या साले? फिर कभी किसी लड़की को धमकाया छेड़ा ना। मैं नहीं करूंगा तुम्हारा। पैर पकड़, चल पैर पकड़। मुझे माफ कर दिए बहन जी। चल भाग भाग। थैंक यू चिंटू भैया। शुक्रिया बाद में, पहले बहन को घर ले जाओ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास? तेरी कौन क्लास लेगा? मेरे बापू। ये क्या खा रहे हो? प्रसाद है। इतने से तेरा क्या होगा, सबको बांट दो। दांत मत दिखा रे, मैं दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। पद्मावती जी कहिए। पुरुषोत्तम कहाँ है? पंडित जी को दक्षिणा देना है।
आपको ये तकलीफ भी नहीं देना चाहते आपके भाई, वो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शतमानुम भवति शत आयुष्य आयुष्यते। चाचू तुम ऊपर कैसे आए? पाइप चढ़कर यार, लाइफ में ऊपर आना है तो पाइप चढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, तू बड़ा होने के बाद तेरे काम आएगा। इस घर में एक नालायक काफी नहीं है क्या? इन बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हो। आ गया यार अमिताभ बच्चन। तुम कहाँ जा रहे हो यार? जाने दो ना चाचू, दादाजी आपको डांटेंगे, आप चल नीचे करके खड़े लेंगे, हम नहीं देख सकते। तुझे शर्म नहीं आती? त्योहार के दिन भी झगड़ा करते हो, बिना किसी को मारे तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तू कभी नहीं बदलेगा। तो ठीक है, मुझे यहाँ बंद कर दीजिए, मैं यही पड़ा रहूंगा। आज तक तो यही कर रहे हो, सुबह होते ही टपोरियों के साथ लड़ना झगड़ना, लोगों का भला करना। क्यों रे, अपने पिता की एक भी बात नहीं मानेगा क्या? इसकी डांट सुनना अच्छा लगता है तुझे? ये कोई उम्र है ऐसी बेहुदा हरकत करने की? तेरे पिता के सामने मैंने तुझे डांटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा? उनकी बातें बुरी नहीं लगती है, लेकिन आप कुछ भी कहते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है बड़े पापा। चल। सपनों का सुंदर मधुबन, जावर से सुख सावन, मंदिर सा ये घर आंगन, रिश्तों का अद्भुत मिलन, सुख शांति प्रेम मन, इस घर का है चलन, मंदिर सा ये घर आंगन, रिश्तों का अद्भुत मिलन, सपनों का सुंदर मधुबन, जहाँ बरसे सुख सावन, मंदिर सा ये घर आंगन, रिश्तों का अद्भुत मिलन। अपने अपने एक है लेकिन प्यार का ये संगम एक है, धड़कने अलग है फिर भी दिलों का धड़कना एक ही, प्रार्थना की सरगम एक है, आए कोई भी विपदा एक दूजे की मदद कर तू रहे, कोई भी गम ना मिल बांट के पहुंचे आंसू, दूजे की खुशी यही तो है जिंदगी, मंदिर सा ये घर आंगन है प्रेम का दर्पण, सपनों का सुंदर मधुबन, जहाँ बरसे सुख सावन, मंदिर सा ये घर आंगन, रिश्तों का अद्भुत मिलन। होते नहीं अनबन कोई, होते नहीं झगड़े कोई, ऐसा अपना घर है भाई, होट ना दिलों में कोई, भेद ना आपस में कोई, ऐसा प्यार अपना भाई, ममता का ये मंदिर कण कण यहाँ का पावन है, है बगिया ये ऐसी हर भूल में अपनापन है, रहना है साथ साथ, चलना है साथ साथ, एक दूजे से है वचन, ना साथ छोड़ेंगे हम, सपनों का सुंदर मधुबन, जहाँ बरसे सुख सावन, मंदिर सा ये घर आंगन,
सुनो, ये कैसा ड्रेस पहना तूने? बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। क्यों बड़े पापा, क्या हुआ? ऊपर रूम में जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छा शर्ट लाया हूँ, जाकर पहनकर आ जा। बड़े पापा मैचिंग सुपर, कल से आप ही सिलेक्ट करना। नमस्ते नमस्ते। अरे पप्पू जी भाई, कोई आया है क्या? जी आया है। कौन आया है? मैं आया। मुझसे मजाक करता है, सर फोड़ डालूंगा। तेरे आने से क्या होगा? और कोई आया है क्या? आए हैं ना। कौन? आप। छोटू भाई, छोटू भाई। अरे तू और मैं नहीं, और कोई दूसरा आया है क्या? वो देखो आ रहे हैं। बेकार में घूमने वाले आवारा नहीं चाहिए, हमारे काम का कोई आया है क्या बता? ए छोटू लाल, कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? एक पेट में दूंगा ना, पीछे के दोनों टायर पंक्चर कर दूंगा, चल चाहे बोल। बुश नहीं चाहिए? अरे सुन रे, दो बुश लाना। अरे चुप रहना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ए छोटू लाल उंगली मत करना, साइलेंसर का साउंड है, नया डाल दे, सेट हो जाएगा। हेलो, क्या डालने से सेट होता है, क्या करने से फिट होता है मुझे पता है। मैं जब मैकेनिक बना तब तुम लोग चड्डी पहना करते थे। आप अभी भी चड्डी नहीं पहनते क्या? अरे छोटू कार रेडी है क्या? यस रेडी है क्या? अरे लाया हूँ यार। ओके रे, पार्टी आई है, तुम लोगों के कारण इस गैरेज का नाम बदनाम हो गया है। मेरी और पार्टी के बीच बात होने वाली है, तुमने इंटरफेयर किया तो ठीक नहीं होगा। देखो ये लकीर पार करने की कोशिश मत करना, समझ गया ना? ए भाग यहाँ से, ए सेट के लिए कुर्सी ला रहे। अरे नहीं रे छोटू, मुझे जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, वहाँ सेटलमेंट करना है। एक मिनट भाई, ए नारियल लेके आ। अरे मैं नारियल का पानी नहीं पीता। नारियल आपके पीने के लिए नहीं भाई, नजर उतारने के लिए मंगा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सेंटीमेंट। मैं मानता हूँ भाई, कार्ड लेने से पहले नजर उतारे बिना गाड़ी नहीं दे सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। नजर नहीं उतारा तो सच में टाइम हो जाएगा, मेरी बात मानो। ठीक है शुरू कर। अरे जल्दी लेकर आ। ये लो भाई। अरे सेटलमेंट के लिए मुझे जल्दी जाना था, नजर उतारूंगा, नजर उतारूंगा कहकर मेरे कार का ग्लास फोड़ डाला तूने। अरे मार डाला तुझे, ये ले 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 ले। सुन, एक घंटे के अंदर मेरी गाड़ी रिपेयर करके मेरे घर नहीं ले आए तो जान से मार डालूंगा। वो मुझे तबला समझ कर बजा रहा था, तुम्हें आकर बचाना चाहिए था ना यार। तूने मुझे मना किया था ना लकीर पार करने को। एग्जैक्टली exactly, सच्ची दोस्ती यही है यार। अरे उस भैंसे ने बहुत पीटा। अरे पप्पू बजा इसका भोपू। सांता क्रूज एयरपोर्ट के करीब एक 22 एकड़ जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है, इसकी सरकारी कीमत 50 करोड़। मेरे 55 करोड़। राष्ट्रीय बिल्डर वालों की बोली 55 करोड़। 60 करोड़। वंदना बिल्डर वालों की बोली 60 करोड़। 65 करोड़। 100 करोड़। आ गया, अब सब सत्यानाश हो गया। आते ही 100 करोड़ की बोली लगाई, अब कौन बोली लगा सकता है? वो जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है भैया। बोली रोक दे क्या सर? मेरे रोकने तक बोली लगाओ। 100 करोड़ 1 रुपया। अब कौन बोली लगा, दोनों के बीच तो जंग शुरू। 110 करोड़। उमापति बिल्डर 110 करोड़। 110 करोड़ 1 रुपया। भाई उस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बोली बहुत हो चुकी, अब छोड़ दीजिए। 120 करोड़। इसकी हार बहुत जल्द। 120 करोड़ 1 रुपया। तो पागल जैसे बोली लगाया जा रहा है, पर इस आरके बिल्डर वाले को क्या हो गया? 150 करोड़। उमापति बिल्डर वाले की बोली 150 करोड़। 150 करोड़ 1। 150 करोड़ 2। 150 करोड़ 1 रुपया। और आरके बिल्डर्स वालों की बोली 150 करोड़ 1 रुपया। पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। हमारी वजह से राम किशनवा को 50 करोड़ का नुकसान होगा, हमारा फायदा ना हुआ तो का, हमारे दुश्मन का नुकसान। आज हमारा दिल में बहुत खुशी हुआ। हेलो। मैं हूँ मूर्ति, जमीन खरीद लिया ना? आ? अभी सीएम के ऑफिस से मैटर लीक हुआ है, उसी लैंड के बाजू में गवर्नमेंट आईटी पार्क मानने वाले, सेक्रेटरी ने पास भी कर दिया है, अब उसकी कीमत 2500 करोड़ हो गई है।
सिग्नेचर होने से पहले ही बता दिया था सर। डिलीवरी होने के बाद लड़का या लड़की वार्ड बॉय बता सकता, पेट के अंदर का स्कैन करके बताने वाला डॉक्टर चाहिए मुझे। वो मर जाएगा भाई, एक टेंडर हाथ से गया तो इतना गुस्सा। हमरा गुस्सा आज का नहीं है काशीराम, 20 साल का है। राम किशन ने जौन अपमान किया है वही तो क्या था हमरा। इस गांव का प्रेसिडेंट होते हुए भी वाटर टैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने लिए नहीं तुझे दिलाया। रोजी रोटी की खातिर आई हुई लड़की का तूने नाजायज फायदा उठाया। जो उसमें आई के गलती कर दिया हमरा माफ कर दीजिए। शराब के नशे में कामोली का हाथ पकड़ा इसलिए राम किशनवा के पैरों पे गिर के माफी की भीख मांगी, उसने माफ नहीं किया। गाँव के बीच सबके हाथों से चप्पल से मार के गाँव से निकाल दिया। हमरा शरीर पे लागल एक एक घाव के बदला लेब हम। इसीलिए हमरा 100 करोड़ का नुकसान भले ही हो जाए लेकिन राम किशनवा का 1 रुपया का भी फायदा हुआ तो हमरा के बर्दाश्त न हुई। तेरे जीजा को ये काम सबसे अच्छा आता है। उन्होंने सुन लिया तो तेरा भी नंबर लग जाएगा। नई बिल्डिंग को काले बकरे की बलि देने वाला था, दे दिया। शालू, हाँ? आ रही हूँ माँ। लगता है प्यार करती है बहन किसी से, इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं बताई। जब मुझे नहीं बता पा रही तो घर वालों को क्या बताएगी। लगता है ये बात मुझे घर वालों को बतानी चाहिए। ओरे मोरी प्यारी बहना, ओरे चिंटू तू कितना अच्छा भाई है रे। बड़े पापा। क्यों बेटी तुम्हें पसंद है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरी बात सुनकर कोई भी टेंशन मत लेना। क्या हुआ बेटा? प्यार गुलाब जैसा होता है, छूने से मैला हो जाता है, तोड़ने से चुभता है। प्यार एक कशिश है, एक ही बार पैदा होता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसे पवित्र प्यार को जुदा मत करो। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? कोई प्यार का चक्कर है क्या? मेरा चक्कर नहीं है भैया। तो फिर किसका है? अपनी शालू। ये क्या कह रहा है तू? सच बड़े पापा, शालू एक लड़के से प्यार करती है। तुझे उसने बताया क्या? बताने से सबको पता लगता है, जो बिना बताए समझ जाता है भैया असली भाई है। सबूत देखेंगे। हीरो की तरह दिखता है ना, कार बंगलो दौलत शौहरत ऐश्वर्य, इन दोनों की शादी करके अपने घर की इज्जत को बचाना ही चाहिए। सब घूर क्यों रहे हैं? देखू नहीं क्या, तेरे गले में माला पहनाकर आरती उतारू। अरे यही तो वो लड़का जिसे हमने शालू के लिए पसंद किया है। बिना कारण तूने सबको टेंशन दे दिया बेटा। कल संक्रांति के लिए गाँव जाने वाले है ना, वापस आने के बाद अच्छा दिन देखकर शालू की सगाई कर देना चाहता हूँ। सुन लिया ना, कल शाम 4 बजे का ट्रेन है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं, चुपचाप घर में रहना। बात को बिना समझे फोकट में ओवर एक्टिंग कर दिया, थू है तेरी जिंदगी पर। इससे पहले बैलगाड़ी चला था क्या? अरे जल्दी चलना, धीरे क्यों चल रहा है? क्या रे, ऑटो में राजकोट लेके जाएगा क्या? अबे चुपे, तेरी काली सूरत को मेकअप करते बैठा तब देर हो गई, नहीं तो सबके साथ जाते। चुप रहो चुप रहो, अगर उनके साथ जाते तो हमारा भी इमेज उनके जैसा हो जाता। धीरे से जाएंगे तो थोड़ा लेवल मेंटेन रहेगा। अरे दे दे दे, बड़े पापा के पैसे से खरीदा हुआ है यार। ये भी उन्हीं के पैसे से खरीदा है यार। ये शराब? शराब और कबाब किसी का भी हो यार, अपने जरूरत में मिलना चाहिए, यही जरूरी है। अरे देखने वालों के लिए वाटर है और मेरे लिए क्वार्टर। देख यार, बिना टिकट के तो मैं ट्रेन का सफर कर सकता हूँ लेकिन बगैर लिकर के मैं सफर नहीं कर सकता। अरे ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी उतर, जल्दी उतरना। ये ले पैसे, शराबी साला जल्दी पैसे देकर चल। हाँ आ रहा हूँ ना। सर गोदावरी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म में है? चल 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 जल्दी चल। 2 3 4 1 जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे सांस फूल रही है। I'm sorry. अरे अरे पैर क्यों छू रही हो? सॉरी कहा ना तुमने? वो टिकट के लिए झुकी थी, तो कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू लड़की को देख के सब कुछ भूल गया है। सॉरी यार, गोदावरी की ट्रेन पकड़नी थी ना, इसलिए टकरा गए। हम भी गोदावरी में जा रहे हैं। देखो ना, हमको और आपको एक ही ट्रेन में चढ़ना है। उतरेंगे भी एक ही जगह। आइए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अरे नहीं यार, गोदावरी 3rd प्लेटफॉर्म पे आएगी। आपको किस पागल ने बताया? काउंटर पे बताया था। हमें टीसी ने बताया मैडम। मेरी बात तो ठीक है, जाके बैठ जाओ, जब कलकत्ते या काश्मीर में उतरोगे तब मालूम पड़ेगा। अरे सोनू गाड़ी छूट रही है, जल्दी चल जल्दी जल्दी। ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। मैडम मैडम चलिए। हाँ मैडम चढ़ जाइए। थैंक्स अ लॉट।
आपने धक्का नहीं दिया होता ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं यार, बड़े शहरों में छोटी गलतियाँ होती है। अरे अपनी सीट पे हाथी बैठ गया है। अरे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट। अरे उठिए भाई साहब उठिए। बाप का माल समझा है। दो मिनट लेट आया तो सारी जगह ली। नहीं नहीं भैया मारो सीट है, रिजर्वेशन करे हुए। देख यार। अरे यार बॉम्बे जाना है और गोदावरी में बैठ गया। बॉडी को गोडाउन जैसा बना लिया है और दिमाग से बिल्कुल खाली है। लेट होने पर भी हमने सही ट्रेन पकड़ा है, ऊपर देखते हुए बैठ गया। ओए नहीं भाई। कौन बोला? क्या प्रॉब्लम है रे? ये लोग उठ रहे हैं ना। ए चलो चल चल। ए टीसी आने से पहले उतर जाना, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते बेवकूफ गवार लोग। चल हट, दिमाग का दही बना दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं इनकी तरह दूसरी ट्रेन में बैठ जाती। Actually, मेरे कारण आपका भला हुआ, ये कहना चाहते हैं आप? बेसिकली मेरी हेल्पिंग नेचर है, टू मच। बहुत ज्यादा हो रहा है। तू चुप कर। टिकट टिकट। सुनिए डीसी साहब, ये लोग अनजाने में दूसरी गाड़ी में बैठ गए, छोड़ दीजिए ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? आपका टिकट ये लीजिए। टिकट यार ये क्या है, गोदावरी की टिकट लेकर मुंबई एक्सप्रेस में जाते हो? अरे लगता है टीटी ने भी गलत ट्रेन पकड़ ली। गलती मेरी नहीं आपकी है। ये क्या कह रहे हैं सर? ये मुंबई की ट्रेन है मैडम। सर 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 ठीक से देखिए ना सर, ये गोदावरी है, ये किसी ने हमें कहा था सर। कौन है ओटीसी? 998 ये ओटीसी है, देखिए 1000 रिपीट। उसने बताया नौकरी चले जाने से पागल हो गया, जो भी ट्रेन मिलता है बैठ जाता है। मैंने पहले ही बताया था गोदावरी की ट्रेन तीसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली, इन्होंने मुझे धमका के इस ट्रेन पे बिठा दिया। आहा तू तो बहुत खूबसूरत है, जैसे मैं तुझे भगाने वाला था। तुम लोग बाद में झगड़ा करना, पहले फाइन भरो। फाइन मांग रहे? भरो। मैं नहीं भरूंगी। नहीं भरोगी तो 6 महीने का जेल है। जेल में? मैं तो कभी जेल में गई नहीं। हम तो हमेशा वहीं रहते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं। फाइन कितना हुआ सर? 3000। मेरे पास 3000 रुपए है। हाँ सर हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। 2000 रुपए ले लीजिए ना। लिखा है मैंने नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने के लिए, आगे जाना हो तो बताइए, वापस आता हूँ। आप बहुत दयालु हैं सर, आप चले जाइए हम उतर जाएंगे। अरे वो सांड आ गया। शरीर देख के डर रहा है क्या? हाँ, मुझे टच तो करने थे, मोटे को एक फटके में गिरा दूंगा। हाँ। अरे बाप रे। ए, ट्रेन में बैठ के जा रहे इसलिए बच गए, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार डालता। उठ जा, उसके बाद में देख लेंगे। स्टेशन में सबको छोड़ के तुमसे टकराना मेरी गलती थी। अरे मुझसे टकरा इसलिए रॉन्ग ट्रेन पकड़ा तूने, कहीं दूसरे से टकराती ना तो तेरा बैंड बच जाता। मुझे कब क्या करना चाहिए मुझे पता है। तू ब्रूसली की बहन है क्या? दिखा दो क्या? अरे बाप रे बाप, इसे कराटे दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं थोड़ा टाइमिंग पता करके आता हूँ, तब तक तुम लोग यही रहो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ। इसने मुझे समझ क्या रखा? मेंटेन करना मुझे भी आता है, तुम्हारी सांसों से मुझे एलर्जी होती है। तजा। थोड़ी देर सांस रोक लो, चली जाएगी। क्या चली जाएगी? जान, छुटकारा मिलेगा मुझे। अरे 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 मुझे कहा? तुझसे कह रही हूँ, तेरे जैसा फालतू लड़का सामने खड़ा है तो मैं तीसरे से क्यों बात करूँ रे, पागल हूँ क्या? हा? अच्छा तुझे तो चढ़ गई है। क्या चढ़ गया बताना, इससे पहले तूने मुझसे क्या कहा था? मुझे मुंबई लेकर जाएगा, बेच डालेगा। आखिर तुझे मेरा नाम पता है क्या? भानुमती फ्रॉम तुर्रम खान, 13 साल की उम्र में सबकी बहन बजा डाल। ऐसे ही देखा करते थे गांव वाले, सबका खेल खत्म कर दिया। तेरा भी खेल खत्म कर दूंगी यार, तेरे को बेच के ना पायल पायल खरीदूंगी। अब तक शहर की लड़की समझा था, शराब पीते हकीकत सामने आ गई। बोतल दे। नहीं दूंगा, दे। नहीं दूंगा, दे। नहीं दूंगा, नहीं देना, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तेरे को बताती हूँ, एक कमसीन लड़की पानी मांगे दे नहीं रहा है कमीना, दस तरीके पानी तो मांगा, किस चीज का तेल थोड़ी मांगा है जो पीने से इनकार कर रहा है। गांव वालों, स्टेशन वालों और जो इधर नहीं है वाले। रुको 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 रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, ये लो पूरी बोतल पी लो। भानुमती मेरा नाम राम राम। अरे
एक पैक मिल जाए तो मूड बन जाए यार। अरे डिस्टेंस ऐसे मेंटेन करते हैं क्या? अरे मुझे क्या 5 मिनट भी नहीं हुआ, तूने से पटा भी लिया? बताऊंगा तो तू नीचे गिर जाएगा। मैं नहीं गिरूंगा, अब बता। तेरा शराब पी लिया इसने। अरे बाप रे बाप। हाँ। ये भी पिएगी, पता होता तो मैं हाफ लेके आता। कोई बात नहीं यार, हिचकी लगी थी, पानी समझ के पी लिया इसने। ट्रेन कब आएगा ये बता। यार ट्रेन नहीं मिलेगी, हम गलत जगह उतरे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद बस मिलेगी। इस पार्सल का क्या करूँ यार, कूली की तरह मैं लगेज लेके आता हूँ, गधे की तरह तुम इसे लेके आओ। तो टिकट टिकट। अरे सुन, वो टिकट वाला आ रहा है। तो लेना। अपने तेरे होते हुए पैसा लाऊंगा क्या? तेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए नहीं लाया। पूरे पैसे तो टीसी को दे दिए यार। हाँ तो उसके बैग में टटोलना। अरे पहले टटोल लिया, इसमें कुछ नहीं है, रबर बैंड, माथे की बिंदी और तेल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ? अरे किसने कहा, लेडीज बहुत होशियार हो गई है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया है, लेकिन पैसे रखने की जगह नहीं बदली। जरा देख तो कैसे निकालू यार, हाथ की सफाई। अबे गोचू, इसमें मेरी जरूरत है क्या? चल निकाल। निकालू? मेरा तो कोई टेंशन नहीं है यार, मैं तो अपने कपड़े फाड़ कर भीख मांगते हुए राजकोट चला जाऊंगा मजे से, और तुम इसे अपने कंधे पे उठा के लाना। हे राम हे राम कहते। अरे अरे टेंशन मत दे, मैं ट्राई करता हूँ। अरे बहुत मुश्किल है यार। मुश्किल क्या है, हाथ डालना या निकालना? अरे मिल गया यार। निकालना बे, रुकना। टिकट टिकट। 3 राजकोट। अच्छा टिकट टिकट। हाँ और कुछ निकाल रहा है क्या? वापस रख रहा हूँ यार। अभी मत रख यार, रास्ते में वाइन शॉप मिली तो आधा ले लूंगा। तेरी तो, तेरा पैसा होगा तो क्वार्टर, दूसरे का पैसा होगा तो आधा। चल हट, मेरे लिए तो क्वार्टर है, वो जाग जाएगी तो चिल्लाएगी, एक क्वार्टर पिला दूंगा तो सो जाएगी। नहीं यार, बड़े पापा ने कहा है पराया धन पाप के समान होता है, इसलिए रख देता हूँ। हाँ ठीक है रख दे, क्या करें। बापरे, टिकट लीजिए टिकट लीजिए, 1 का 10 रुपया, 3 का 30 रुपया, आपका टिकट साहब। टिकट ले लो। हाँ टिकट तुम ले लेंगे, लेकिन पैसे तुमको देने पड़ेंगे। गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों निकालोगे। राजकोट तक लेकर आया, तेरे घर तक ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है? उसमें नहीं है, जानता हूँ, उसमें है 700 रुपया। निकाल। 700 कैसे, मेरे पास तो 2000 थे। 2000 तो थे, बस में बैठते कॉन्ट्रेक्टर ने टिकट के लिए पैसा मांगा, तुम तो मस्त नींद ले रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वहाँ का पैसा निकाल कर टिकट ले लिया। लेने के बाद पराया माल है ये सोचकर वहाँ रख दिया। 9 बजे नाश्ते के लिए बस रुक गया था, फिर वहीं से निकल कर पराठा खाकर पराया माल है ये सोचकर वहाँ रख दिया। शायद 1 बज रहा था, फिर से चाय के लिए बस रोक दिया, फिर वहीं से निकाल कर चाय पीकर पराया माल है सोचकर वहाँ रख दिया। क्या बिल्कुल सही कहा, जब चाहे निकाल लो, मैं कोई एटीएम मशीन हूँ क्या? अरे अरे बाप रे, मुझे बताओ यार। आ, 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 अरे चिंटू मेरा यार। आ गए बेटी। मैं तो आ गई, तुम वहाँ पे पैसे रखना छोड़ दो माँ। किस लिए? लफंगे चुरा के ले जाएंगे। यहाँ से कौन चुरा लेगा, मेरी माँ और दादी भी यहीं पे रखती थी। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं माँ। बानु इतनी देर कैसे हो गई? ट्रेन लेट थी पापा। मिलने के लिए वो कोई खिलौना है क्या? बता कितनी दिन चलेगी तेरी पढ़ाई? और 3 महीने। क्या और 3 महीने? अंदर जाकर आराम करो, बाद में बात करते हैं। पढ़ाई पूरी होती ही शादी करनी है, जवान लड़की है ना, पता करो कोई है इसके दिल में। उसी से शादी करवाओगी? नहीं निकाल दूंगा। सुनो उसे पढ़ा रहा हूँ किसी अरे गहरे से शादी करने के लिए नहीं, अमेरिका में शादी कराऊंगा। अरे मुझे नीचे उतार दो बेटा। अरे आके चौनिया रही है, मुझे नीचे उतार। ए पुष्पा डार्लिंग, ओके ना, बचपन में तो कहती थी मुझसे शादी करेगी, अब करेगी क्या? इससे शादी करोगे तो मेरा क्या होगा? तुम इस उम्र में कर भी कह सकते हो। अरे ये क्या, तेरा पति तो बड़ा पहलवान था ना? वो तो पहले की बात है, लाठी घुमाते थे तो पूरे गांव को उड़ा देते थे, अब तो लाठी भी नहीं उठती है। ये आइटम कौन है? मैं सीनू, इसका दोस्त हूँ आंटी। बहुत जलवा है रे। लगता है मेरी इज्जत बढ़ गई है यार, मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ क्या? मेरा काला भैंसा बिल्कुल तेरे जैसा है। इज्जत की बात लग गई यार, कौन है ये प्यार की अफसा? इस गांव में हमारे घर और खेतों की देखभाल यही करता है। चल रहा है यार, पुष्पा डार्लिंग कल मिलते हैं। मैं भी चलता हूँ आंटी, बाद में मिलूंगा। अपना उल्लू का पट्टा अभी तक आया क्यों नहीं? ले लो, आ गया। पापा मुझे याद किया बिना रह मैं नहीं। बेटा तेरे बड़े पापा सुबह से ही याद कर रहे हैं, अभी तक चिंटू आया क्यों नहीं, जाकर मिलो। चलो जाओ। बड़े पापा एक अच्छी मैचिंग ड्रेस सिलेक्ट करेंगे तो मैं अभी तैयार होकर आ जाऊँ। क्यों रे, मेरे भैया तुझे फैशन डिजाइनर दिखाई दे रहे हैं। असल में फैशन की शुरुआत हुई बड़े पापा से, वो जवानी में जो भी ड्रेस पहनते थे लड़कियां उनके आगे पीछे घुमा करती थी। हम भी उन्हीं के रास्ते पर जा रहे हैं। रहने दे, ऐसे काम में तेरा बहुत दिमाग चलता है। आप मुझसे जलते हैं? ठीक है यार, गुड न्यूज तो बता दिया ना, अब फोन रख दो। किसका फोन था? परसों जिस जमीन की नीलामी हुई थी ना, उसकी कीमत 2500 करोड़ नहीं 4000 करोड़।
छोटे को फोन लगाओ। छोटू। हाँ बोलो भैया। राम किशनवा का 20 साल से हम कुछ नहीं कर सका। वो परिवार समेत हमनी के गांव आया है, ओकरा अपना खुद के गांव में उसका इज्जत उतार दो। वो बेइज्जती के साथ अपने हाथ पैर भी तोड़वाएगा। ये खुश खबर मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगा भैया। भाई हो तो ऐसा, ये तो कल ही पता चलेगा। नमस्कार। मैं साल के 12 महीने यहीं रहता हूँ, कोई मुझे नमस्ते नहीं करता। आप साल में 3 दिन यहाँ रहते हैं, नमस्ते करके लोग आपके पैरों पे गिर रहे हैं। मेरे भैया की बहुत इज्जत करते हैं गाँव वाले। ए राम किशन। क्यों रे, बड़ों को इज्जत से बुलाना भूल गया है क्या? बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? चर्बी चढ़ी है या नहीं मैदान में उतरोगे तो पता चलेगा। ए, ऐसे क्या देख रहा है? सुना है जवानी में बहुत लाठी चलाया करता था, आजा देख लेते हैं। तू क्या देखेगा साले? खैर क्या रे, उसे कहा तो तुझे मिर्ची लग रही है। अबे दम है तो हम में से एक को मार के दिखा, सिर्फ एक को। अगर तुम जीते तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो गांव से निकाले हुए मेरे भाई को बैंड बाजे के साथ फिर से इस गांव में ले आऊंगा, समझे? क्या सोच रहा है? सोच क्या रहे हो जीजा जी, हाथ पैर तोड़ कर इसे भी अपने गांव से भगा दो। हम गांव में त्योहार मनाने के लिए आए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। चलो चिंटू। क्या रे, नामर्दों की तरह जा रहा है? संक्रांत के त्योहार पर आए हो, बिना लड़े ही चले जाओगे? माँ का दूध नहीं पिया है क्या? बड़े पापा, वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं बेटा, वो तुझे भड़का रहा है। सिर्फ मूछें रखने से फायदा नहीं है, मर्दानगी भी होनी चाहिए। श्री सीता रामचंद्र स्वामी देवता ध्यान आवाहन षोडश उपचार पूजां च कृष्ये श्री राम राम एक को मारने को कहा था ना, हर एक को चुन चुन के मारूंगा। आजा। थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैदान छोड़कर तू कहां जा रहा है? हाँ? चल मर्दानगी दिखा। अरे दिखा मर्दानगी, अगर वो लाठी मेरे हाथ में आ गई तो वो डालूंगा। अरे मारना। मत मारो मुझे, मत मारो। नहीं है चिंटू, रुक, ये क्या कर रहा है? इसने क्या बोला पता है आपको? मैं पागल कुत्ते के मुंह नहीं लगता, मैं आप जैसा नहीं हूं। भगा भगा कर मारूंगा कुत्ते को। इसके सिवा तुम्हें आता क्या है? अपने खानदान का नाम बदनाम करना। छी, तेरा बापू ऐसा ही है, उनकी बातें दिल पे मत ले। मैं दिल पे नहीं लेता। हरामी कुत्ते को मार के तूने गांव का भलाई किया। ठीक है जाने दे, तेरी नजर लग जाएगी। नजर लगेगी तो उतार लूंगी, लेकिन तुम उससे शादी करेगा? शादी? तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होने नहीं देगा। एक काम कर, इस जिले के सबसे खूबसूरत लड़की को लेकर मैं उससे शादी करूंगा। अरे तू क्यों शर्मा रही है? थोड़ा थोड़ा
तू है थोड़ा एड़ा, तू है थोड़ा टेढ़ा, हाँ देख नखरा तेरा, हाँ दिल हुआ रे तेरा, इसलिए तुम मुझे जचते हो। ऐसा तूने घेरा हे हो गया मैं तेरा हे ले गया दिल मेरा हे रूपे सोना तेरा हो गया ना तू मेरा ढीला रे हो गया ना तू मेरा ढीला रे थोड़ा 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 दाए तेरी रे हो गया मैं तो बेकाबू बैंड बज गई मेरी रे यूं चल गया तेरा जादू मैंने जो तुमसे लड़ गई रे कट गई दिल की पतंग बाबू होश मेरे सब उड़ गए रे जब से इश्क हुआ बाबू डाका भिड़ गया तेरा मेरा दिल में बढ़ गया डाका तेरा ऐसा तूने मंत्र फेरा मेरा सब कुछ हो गया तेरा और तुझे क्या बतलाऊं दिल में हो गया घर तेरा तू है थोड़ा एड़ा तू है थोड़ा टेढ़ा हाँ देख नखरा तेरा हाँ दिल हुआ रे तेरा तू है रंग रंगीला रे हो गया ना तू मेरा ढीला रे थोड़ा 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 दीवाना करती है पल खा के जब जलते तो पागल मुझको बनाती है तेरी जवानी की खुशबू हर तरफ है पहरा तेरा कोहरा इश्क का छाया गहरा देखा जब से चेहरा तेरा मुझ पे है पागलपन तेरा ले मैं भी कह देती हूँ राजा तू है मेरा तू है थोड़ा एड़ा तू है थोड़ा टेढ़ा हाँ देख नखरा तेरा हाँ दिल हुआ ऐसा तूने घेरा हे हो गया मैं तेरा हे ले गया दिल मेरा हे रूपे सोना तेरा हो गया ना तू मेरा ढीला रे हो गया ना तू मेरा ढीला रे थोड़ा 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 हेलो भैया उस पुरुषोत्तम के बेटे ने मेरी बैंड बजा दी है भैया क्या कहा था तूने उन्हें बेइज्जत करके सबके सामने गांव से निकल देने वाला था तू बेइज्जती तो आपकी होने वाली है पहले खड्डे खोदना बंद कीजिए किस लिए वहाँ रामकिशन तुम्हारे लिए खड्डे खुदवा रहा है तू का पागल हो गया है वहाँ का दृश्य देखेंगे भाई तो आप भी पागल हो जाएंगे वो देखिए ₹1000 स्क्वायर फीट के भाव से वो फ्लैट दे रहा है इस भाव में उसका दिवाला निकल जाएगा रामकिशन पागल हो गया है का कहे कर रहा है सब हमारी कंपनी की 25वीं सालगिरह की खुशी के मौके पर कम कीमत में आप सबको खुद का घर बनाकर देने के लिए इस वेंचर को शुरू किया है एक समय हमारा परिवार भी बहुत गरीब था खुद का घर बनाने के लिए मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत मशक्कत की लेकिन उनकी कोशिश को हम पूरा कर पाए उससे पहले ही पिताजी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए मेरे पिताजी की तरह बहुत से लोग खुद का घर बनाने के सपने देखते रहते हैं इसलिए अपने फायदे के बारे में ना सोचते हुए आप सबको खुद का घर बनाकर देने से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी बहुत जल्द इस वेंचर को मैं पूरा करूंगा ये प्रोजेक्ट अगर पूरा हुआ तो लोग इसे भगवान मानने लगेंगे
तो भाई क्या राक्षस है? ओकरा ड्रीम प्रोजेक्ट के डेथ प्रोजेक्ट बना देगा। नमस्ते उमापति जी, बैठिए। फोन करते तो मैं ही आ जाता। अब तेरी लेवल बढ़ गई है ना। आप ही की वजह से इस लेवल पर हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करते हो या ना करते हो तुम्हारी मर्जी। आरके बिल्डर्स का बन रहा जन निवास का अप्रूवल कैंसिल होना चाहिए। सर, आपके पेपर करेक्ट ना भी हो तब भी मैं अप्रूव कर दूंगा। लेकिन आरके बिल्डर्स वालों के पेपर्स पक्के हैं सर। अगर उन्हें कैंसिल किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मतलब दिन रात हम तुम्हारी जेब भरेंगे मगर तुम हमारा काम नहीं करोगे। एक बार फाइल आगे बढ़ने के बाद कैंसिल करना मुश्किल होता है। नहीं होगा। ए, मिनिस्टर के फोन लगा बे। सर नमस्ते सर। भाई मिनिस्टर लाइन पे है। उमापति बोल रहा हूँ। आरके बिल्डर्स वाले जो निवास बना रहे हैं उसे रोकना होगा। कहाँ बताओ, हम अब ही आते हैं। अरे तुम कहाँ आओगे, मैं तो बैंकॉक में लेटा हूँ भाई। अपने देश में आने के बाद मिलना। अरे जन निवास की तुम्हें ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या समझ रहे हो, मुझे आने तो दो। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। अच्छे से साफ कर रहे, ऐसा काम करके सेठ जी फ्लैट हो जाए। ठीक है। साफ कर। क्यों भाई, मेरी कार सर्विस हो गई? हो गया सर, नजर उतार कर ले जाइए। नजर उतारोगे? जी हाँ सर, ये मेरा सेंटीमेंट है। वेरी गुड, सेंटीमेंट रखने वाले मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। इस कार से मुझे बहुत सेंटीमेंट है। क्यों सर? दरअसल ये कार कार नहीं, मेरा सगा बेटा है। हा? सगा बेटा? फिर आप बेटे पर बैठकर सफर क्यों कर रहे हैं? बेटा बूढ़े माँ बाप का भार बच्चे ही तो उठाते हैं। ओ वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपकी स्टोरी सेंटीमेंटों का सेंटीमेंट है। एक बार क्या हुआ जानते हो? बिना बताया कैसे पता चलेगा सर? एक दिन किसी ने मेरे बेटे की जेब काट ली। क्या फेंक रहे हैं सर, कार को जेब कहाँ रहता है? यानी पेट्रोल टैंक से किसी ने पेट्रोल चुरा लिया था, उसे ब्लड बैंक ले जाकर एक बोतल ब्लड निकाल कर बेच दिया। उस चोर को? नहीं, खून को। खून का बदला खून, टाइटल सुपर है सर। ए नारे लेकर आया। जाने दो भाई, उस कार से उनके सेंटीमेंट जुड़ी हुई है। एक बार फ्लैशबैक याद कर लो ना। ए मुझे इतना कम मत समझ रहे पप्पू, इसीलिए स्पेशल सेटअप किया हूँ। बॉयज कवर द ग्लास। फील मत कीजिए सर, सिर्फ हेडलाइट ही तो फूटा है। अरे ये हेडलाइट नहीं है, मेरे बेटे की आंख है। वो मेरे बेटे को तुमने काना बना दिया। बाप रे, कार का राइट फोड़ा तो मेरा लेफ्ट क्यों फोड़ा? बाप रे, पूछूंगा तो दूसरी भी फोड़ डालेगा। बाप रे। तुम क्या कर रही हो? अंकल ने मुझे बुलाया है। कौन सा अंकल ने? तुम्हारे पापा मेरे अंकल हैं और वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। मेरा हॉस्टल छुड़वा कर यहाँ रहने के लिए कहा है। रहने के लिए कहा तो बेशरम की तरह बोरिया बिस्तर लेके आ जाओगी क्या? ये क्या है? तुम्हें नहीं पता? तुझे मैं इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। पापा! क्या है बेटा, उस लड़की को मेरे रूम में क्यों रखा? वो लड़की पढ़ी लिखी है बेटा, गुस्सा कम से अभी मेरे रूम से निकालिए। नहीं निकालूंगा, एग्जाम होने तक वो उसी रूम में रहेगी। आपको वो अच्छी लगती है रख लीजिए, लेकिन ये बताइए मैं कहाँ रहूँ? मेरे रूम में रह जाना। क्यों? सपने में भी मेरी क्लास लेंगे क्या? मैं यहाँ वहाँ कहीं सो जाऊंगा? मैं भी देखता हूँ कितने दिन वो लड़की रहती है इस घर में। शरीर बढ़ गया है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। जो समझना है समझ लीजिए। क्या कह रहे थे अंकल? और क्या कहेंगे, कहा कि पसंद ना हो तो ऊपर छत में ले जाकर छोड़ दो, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ और सो रहा हूँ। ठीक है? अच्छा अच्छा, नहीं बुरा भी नहीं। मेरे सारे कपड़े समेट कर नीचे के रूम में शिफ्ट करो। सुनो, इस रूम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्यों, एसी खराब है क्या? फोकट में मिले तो एसी चलाओगे क्या? वो नहीं, आधी रात को 12 बजे आती है। कौन आती है? मुन्नी और शीला, वो दोनों मेरे घर के सामने रहते थे और वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। आधी रात को क्यों आती है? चुड़ैल तो आधी रात को आती है ना। चुड़ैल? जी हाँ, चुड़ैल आएगी। मर के साल हुआ, मैंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया इसलिए चुड़ैल बन गई। आधी रात को 12 बजे वो आ जाएंगी। हाँ।
हेमा, हेमा। मैं डर गया भाई, वो भी डर जाएगी। एक झटके में रूम खाली कर देगी। मैं तुम्हारी मुन्नी शीला हूँ। मुन्नी शीला? अरे तुम मुझे सीरियस ले लिया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। कैसे आ गई तुम? रिवेंज लेना है। पिछले साल तुमने मुझसे प्यार करके मुझे बदनाम कर दिया। मैंने? पता नहीं यार, मजाक में कभी किसी लड़की को छेड़ा होगा तो? तो अभी छेड़ना शुरू करो ना। तुम्हें? मुझे नहीं, उस लड़की भानु को। वो तुमसे भी बड़ी चुड़ैल है। ए, ए, उस लड़की को चुड़ैल कहा तो जान से मार डालूंगा। जल्दी से भानु से लिपट जा। उस भूतनी से क्यों प्यार करवा रही है मेरी माँ? और कोई आइटम नहीं है क्या? अब थोड़ा सोचने का वक्त दो। मुझे कल फिर आना है बैंड बाजा लेकर। अब तू जा जा। मेरी बजा डाली। सुनो चिंटू, वो लिंकिंग रोड पे ज्वेलरी शॉप है ना? कहाँ है बेटा वो? अपना फ्लाईओवर ब्रिज है ना? हाँ, उसके सामने ही तो है। तुझे पता है? हाँ, पता है। तो हम लोगों को शाम को ले जाएगा? अम्मा, मेरी अम्मा, सर दर्द हो रहा है। अरे शालू की सगाई है बेटा, गहने खरीदने, लड़के वाले भी तो आ रहे हैं वहाँ। अरे वहाँ मैं ले चलूंगा अम्मा। चले के ले। नहीं, भूख नहीं है, एक जरूरी काम है। जब देखो जरूरी काम होते हैं इसके। अब कोई भी काम नहीं होने वाला। हमारा घूमने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। काम बताइए। बानू को ले जाके कॉलेज छोड़ाओ, कम से कम एक काम तो होगा। वापस लेकर भी आना है ना पिताजी? के लिए कोई अर्जी लिखना होगा। अरे वाह, आते समय अमूल आइसक्रीम खिलाते हुए ले आऊं क्या? मैं नहीं जाऊंगा, चाहिए तो आप जाइए। ए, हाथ हटा। मेरा रूम छीन कर मुझे वॉचमैन बना दिया तूने, अब मेरी बाइक छीन कर मुझे ड्राइवर बनाना चाहती क्या? मार डालूंगा, चला। अरे बेटी, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? अभी जा रही हूं अंकल। कैसे जाओगी? ए चिंटू, इस लड़की को जरा कॉलेज तक छोड़ाओ। अरे यही सोच रहे थे, आपने कह दिया। पेट्रोल के लिए पैसे दे दो। बहुत पहले दे चुका हूँ। मेरे पिता कंजूस नहीं, मक्खी चूस है। चलिए मैडम, कॉलेज चलते हैं, आइए। आती हूँ। और वैसे तुम इतना पढ़ लिख कर किसका भला करना चाहती हो, बताओ? बताओ, अच्छे से पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मर्डर करने के लिए लाइसेंस की तैयारी कर रही हो। अच्छा ये बताओ, रात को मुन्नी शीला आई थी क्या? इस समय उसका नाम लेना जरूरी है क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि हर रात को आती है, कल रात को भी आई थी क्या? वो आई थी, थोड़ी देर बात की, एक लाफा मारा तो भाग गई बेचारी। तो उसने कुछ नहीं कहा? हाँ, बहुत अकेली हो गई है, तुझे याद कर रही थी, तू जाएगी क्या? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम दोनों लवर्स हो ना, तो प्यार व्यार की बातें की होगी ना? अरे हाँ, प्यार की बातें होती रहती। अरे कहाँ से आ गए? अरे यार, तुम दोनों सच धज के कहाँ जा रहे हो? ये तुझे कहाँ मिली, रास्ते में या बार में? ए, फालतू बातें करेगा ना तो पैर तोड़ के मुंह में डाल दूंगी। सुबह सुबह पी क्या ये लगती है, धमकी दे रही है। अबे तू अड्डे में चल, मैं आता हूँ। संभाल के यार, शराब में चकना ना मिला तो तुझे चक जाएगी। चल मैं आ रहा हूँ। कैसे घटिया लोगों को साथ में रखते हो तुम? ऑलरेडी मैं उनसे बेटर लगता हूँ इसलिए। शोरूम के सारे चीजें बाहर रखिए, कोई एक चीज खरीदेगी। अरे चुप रहो बेटा, ये जरा पहन के देखो। पसंद नहीं है? अच्छा तो ये देखो, इसे देखो, ये कैसे लगा? ये भी पसंद नहीं है माँ। तो और क्या चाहिए बेटी, आपकी बहू को हमारी कोई भी सिलेक्शन पसंद नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। शालू को क्या पसंद है, मेरे जीजा जी को अच्छी तरह पता है। अरे मैं औरतों की पसंद क्या जानू? अच्छा, बिना पता चला ही ट्रैफिक पुलिस की तरह पीछे से सिग्नल दिखा रहे? वो तो क्यों जीजा जी, मेरी बहन को अभी से इशारे पर नचा रहे? हंसना बंद करिए, जल्दी काम करना है। भाभी आप जाकर उसे डायमंड रिंग को सिलेक्ट करो, हम वहाँ सिलेक्ट करते ही आ जाएंगे, जल्दी करो जल्दी। I'm sorry. Yes, madam. लेटेस्ट डायमंड रिंग दिखाइए। वन मिनट, मैं लेके आता हूँ। अच्छा लगा ना? अभी तक देखी नहीं। रिंग नहीं, टच। उसने तुम्हें धक्का दिया, बहुत अच्छा लगा ना? अनजान मत बनो, सच्चाई बताओ। उस लड़की को मैं नहीं जानती। जानती नहीं तो धक्का मारने वाले को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? पसंद आया क्या? उसने तो गलती से। गलती उसकी नहीं,
तूने जानबूझकर धक्का मारा है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अगर मैं नहीं देखता तो कितना अच्छा होता सोचकर मन ही मन मुझे गालियां दे रही हो ना? आप ये क्या कह रहे हैं? उसने तुम्हें धक्का मारा तो कुछ नहीं कहा, और मेरी बातें तुम्हें फील हो रही हैं ना? माँ इधर ही देख रही है, नौटंकी बंद करके आंसू पोंछकर आ जाओ। बबलगम बबलगम आओ मेरी बबलगम डू यू वांट चाचा जी। क्या है? हमको एक अच्छी कहानी सुनाओ ना। कहानी घर घर की? अभी बताता हूँ। कौन सी कहानी सुनोगे बच्चों? कोई भी नई ढिसुम ढिसुम वाली कहानी। नई कहानी? एक गांव में एक राजा था, उस राजा के सात बच्चे थे, वो सात बच्चे शिकार पर जाके मछली आला है वही ना। ये कहानी किसने सुनाई तुम्हें? ये भी कोई कहानी है, छोटे दादाजी आपको क्यों डांटे अब भी समझा मैं। दादाजी और आप में समझा था, पर आप में हमें भी जनरेशन गैप है। आपको कहानी मैं सुनाता हूँ। सुनाओ बेटा। एक डार्क रात थी, काला अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। क्यों, लाइट डालना चाहिए था ना? लगाया था, बल्ब फूट गया। उस अंधेरे में से सफेद साड़ी में एक भूतनी आ गई, नजदीक आ गई, घूम रहा था भूतनी का। शुरुआत ही इतनी भयंकर है, मैं पूरा सुनूंगा तो क्या होगा? बच्चा तुम लोग कंटिन्यू करो। और उसके बाद भूतनी ने मेरे पास इतने सारे अस्त्र हैं कि मुन्नी शिला तो क्या, दादी भी आ जाए उनकी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कनवे, लाइट्स ऑफ, एक्शन। अरे चिंटू। कौन है? मैं हूँ तेरी मुन्नी शीला। बड़े पापा, बड़े पापा, जाओ जाओ, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल। अरे बेटा क्या हुआ? मुन्नी थी, मैं चुड़ैल थी, यहाँ कहीं गुम हो गई। आजकल भूत कहाँ होते हैं, तू पागल हो गया है? कोई बुरा सपना देखा होगा तूने। शैतान के सपने में भूत कहाँ से आ गया? तेरी जात का बैदा मारू। ठंडा पानी पी और जाके सो जा बेटा। बड़े बाबा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप जाके सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगा। मेरी जान मुन्नी। क्या है? आज मैं महान गुरुजी से मिलकर आया हूँ, तेरी मनोकामना पूरा करने आया हूँ। बिना अरमान के कोई भी लड़की कुंवारी मर जाती है तो यहाँ देख, ऐसे ही वो सफेद साड़ी पहनकर भटकती है। इसलिए किस लिए? वो अरमान थोड़ा सा पूरा हो जाएगा तो तेरी आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाएगी। मैं पूरा मूड बना के आया हूँ, चलो काम। ओ मुन्नी 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 मुन्नी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? इस चिंटू को क्या समझती है, एक आंख वाला राक्षस, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा बता ना? प्यार करती हूँ। हैं? प्यार करती हूँ। मुंह को खोलो और ठीक से बताओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे बाप रे। दिल में रहोगी, सांसों में बसोगी, कर लो मुझसे ये वादा, प्यार का कर लो इरादा। दिल में रहूंगी, सांसों में बसूंगी, कर लिया मैंने ये वादा, चाह तुझे जाने से ज्यादा। तू मेरी बेबसी, चैन मेरा, दिल में रहोगी, सांसों में बसोगी, कर लो मुझसे ये वादा, प्यार
का कर लो इरादा। जीना है मरना है हमदम, होके जुदा तुझसे जानम और जीना सकेंगे हम। तू मेरे जीने का माथम, तू मेरी सांसों की सरगम, तू रोग तू ही है मरहम, मेरी खुशी तू मेरा है गम। माया भी अदा तेरी कर गई मस्ताना, जब से हाथों ने भी किया दिल दीवाना। आ जाना बाहों में, हो जाने जाना, छोड़ो सताना। दिल में रहोगी, सांसों में बसोगी, कर लो मुझसे ये वादा, प्यार का कर लो इरादा। बदले बदले से कुछ हम ख्वाबों में पायल की चमचम, तेरी बजने लगी हमदम। तुझको सताया है हरदम, तुझको जलाया है हरदम, अब मानती हूँ मैं जानम, तू है मेरी दुनिया सनम। धूप में बनके आई है तू ठंडी छाया, तेरी छूने से मेरी खिल गई है काया। देखो जहाँ दिखती है तू ही चारों तरफ तेरी माया। दिल में रहोगी, सांसों में बसोगी, कर लो मुझसे ये वादा, प्यार का कर लो इरादा। तू मेरी बेबसी चैन मेरा, तू मेरी जिंदगी चारे जा, थोड़े से ना टूटे ये रिश्ता। हाँ हाँ हाँ, दिल में रहोगी, दिल में रहोगी, कर लो मुझसे ये वादा। कर रही हो भाभी? कल घर में सगाई होने वाली, सभी लोग खुश हैं, और तुम ये क्या कर रही हो? मेरी वजह से घर की बदनामी होगी। भाभी ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना। सगाई के कपड़े खरीदने शॉपिंग सेंटर गई थी, ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल रही थी, वहाँ किसी ने हिडन कैमरा से मुझे शूट किया है, अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और हर दिन फोन करके बदतमीजी से पेश आ रहा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे अश्लील फोटो इंटरनेट पर डालेगा, तेरे भैया को कॉपी भेजेगा, ऐसे कहता है। इसलिए तुम मर जाओगी क्या? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भैया को बताना चाहिए था ना। अपने भैया को तुम नहीं जानते हो। शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई भी राज ना हो ये सोचकर कॉलेज की सब बातें मैंने उन्हें बता दी थी। उस दिन से हर दिन मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये बात पता चली तो सारी गलती मेरी बताएंगे। उनको बताने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। क्या भाभी, अपने बच्चों को मेरी तरह अनाथ बना देना चाहती हो? फिर कभी ऐसा नहीं करना तुम, सब कुछ भूल जाओ, मैं उसे देख लूंगा। आए जी, तुम्हारा बॉस कहाँ है? ऊपर है सर, आप कौन?
औरत कपड़े बदलती है तो सीक्रेट कैमरे से शूट करता है हरामी कुत्ते साले। अपनी माँ की सीडी बना के उसको भी ब्लैकमेल करता है क्या रे कुत्ते? हट! वो सीडी कहाँ है जल्दी से बता, नहीं तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा। चल निकाल कमीने कुत्ते, कहाँ छुपा रखा है बता, निकाल। ये सीडी, सीडी निकाल सब ले। यस सीडी को मैं तोड़ रहा हूँ, मेरी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा इसलिए पुलिस केस नहीं कर रहा हूँ। आगे से ऐसी गंदी हरकत किया ना तो आंख निकाल कर हाथ में दे दूंगा। नपुंसक चिंता, आज के बाद ऐसी गंदी हरकत करने से पहले किस हराम के पिल्ले ने मारा। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। श्रीमान, दूल्हे वालों को ठीक समय पर आने के लिए कहा है ना? उन्हें लाने के लिए चिंटू गया है ना? नमस्ते अंकल जी। तुम पुरुषोत्तम के बेटे हो ना? हाँ, ये उनकी खुशनसीबी है। ऐसा कौन सा काम करते हैं? हाँ, सब काम मैं ही करता हूँ। ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू हड्डी पसली सब कुछ रिपेयर करना सब काम मैं ही करता हूँ। मतलब अपने दिल के राजा हो। अरे अंकल जी भी बहुत मजा किया है, आइए बैठे बैठे बैठे। एंगेजमेंट मेरी है, मेरा भी टाइम आने वाला है। क्यों, तुझे अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला क्या? मिला तो है, बस सिग्नल मिलते अपनी गाड़ी भी पटरी पर चल पड़ेगी। श्रीमान, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, लड़के वाले आ जाए तो सगाई शुरू करें। लगता है लड़के वाले आ गए हैं, चलो स्वागत की तैयारी करो। ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? सुनिए रुक जाइए, प्लीज प्लीज, आप लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? रुकिए, वो चिंटू कहाँ है, ढूंढो उसे। भाई वो देखो। आइए आइए पधारिए। अरे ये तूने क्या कर दिया, चले जाए यहां से। तू कौन है? अंकल जी अब क्या है, हमारे बड़े पापा की गिरफ्तारी। जाओ जाओ, हमारे अच्छी खातिरदारी हुई, जा चली गई। देखिए हमारे मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो अब यहाँ से। पापा वो कुछ कहना, मैंने कहा ना चलो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। आज तक तेरी गुंडागर्दी बाहर थी, अब घर में होने लगी, निकल जा यहां से। वो गलत था पापा, इसलिए मारा। क्या गलत किया उसने? गलत किया तो ही तूने मारा ना उसे, क्या गलत किया उसने बताओ। ये क्या बताएगा भैया, इसे जन्म देकर मैंने गलती की है। पापा चुप कर, मुझे पापा मत बोल, भगवान समान मेरे भैया के गिरेबान पर बाजार का गुंडा हाथ डालता है। हाँ, उसी वक्त इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई, निकल जा। पुरुषोत्तम। नहीं भैया, इसकी तरफदारी मत करो, आज इसकी वजह से इतना अपमान हुआ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे रोकना मत। हे, सुना नहीं, निकल जा यहाँ से, निकल जा।
क्यों रे, बहन की सगाई तोड़कर बेशर्म की तरह क्यों खड़ा है? जाना यहाँ से। अरे तू इस घर की भलाई चाहता है तो निकल जा यहाँ से। अभी तक तो तेरी माँ नहीं थी, आज से तेरा बाप भी मर गया। निकल जा, ना जाने क्या पाप किया था कि तुझ जैसे औलाद को पैदा किया। निकल यहाँ से, निकल जा। अरे रुको रुको रुको, ये लो। अरे जाजा, ये खटारा गाड़ी मैं रिपेयर करूंगा। सलाम अलैकुम छोटू भाई। नमस्ते साहब, गाड़ी रेडी है? हाँ साहब रेडी है। सर इस कार को 10,000 में बेचकर और 90,000 डालकर एक दूसरी नई कार खरीद लीजिए। इसे बेच नहीं सकता छोटू भाई। ओ, कोई सेंटीमेंट है? यार अटैचमेंट है। मेरी शादी में पत्नी के साथ ये गाड़ी भी दहेज में आई थी। नई पत्नी के साथ ये गाड़ी में बहुत घूमा, बाद में बोर हुआ तो उसे छोड़ दिया। क्या, पत्नी को? नहीं यार, कार को। उसके बाद एक दिन बहुत गड़बड़ कर दिया। क्या कार ने? नहीं छोटू, मेरी पत्नी ने। उसकी ठीक से देखभाल नहीं की। क्या, पत्नी की? नहीं छोटू, कार। उसके बाद अच्छे से देखभाल की मैंने उसकी। क्या, कार की? अरे नहीं छोटू, मेरी बीवी को। तेरी बाद में गुस्से में आकर गांव के बाहर छोड़ा। अरे ये क्या किया आपने, अपनी पत्नी को गांव से बाहर कर दिया? मारूंगा तुझे। कार को? ओ, कार को। बाद में पुलिस ने मेरा एड्रेस ढूंढकर घर पर लाकर छोड़ दिया। सर इस बार सही बताऊंगा, पुलिस इसी कार को लेकर आई थी ना? करेक्ट। मेरी पत्नी को छोड़े बिना, मेरे कार को छोड़े बिना, मैं ऐसे पैसे छोड़े जा रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए सर, सबकी अपनी अपनी टेंशन होती है। ए नारियल आ रहे पप्पू। आई, इस नारियल से कोई फायदा नहीं, जाने दो ना भाई। बकवास बनकर 99 रन पे आउट हो जाऊंगा सोचकर सेंचुरी मारे बिना सचिन छोड़ देगा क्या? मैं भी सचिन जैसा हूँ, अब देखना। भाई कम ऑन, गाड़ी को कवर कर दो, अब देख। ए मेरी माँ! देखा तूने, नारियल फूटने से कैसी आवाज आई? अरे तू नहीं समझेगा रे। चिंटू, जो कुछ हुआ उसे भूल जा यार। भूलना आसान नहीं है यार। तेरे पिता ने कभी तुझे घर से बाहर निकाला है? मैं भी तेरी तरह रिश्तों की अहमियत नहीं जानता था। उनसे जुदा हुआ तो पता चला दर्द क्या है, कीमत क्या है। भाभी और भानु आ रहे हैं। आइए भाभी। इस चुड़ैल को लेकर कहाँ घूम रही हो, डरा देगी? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हुआ ना। मुझे क्या तकलीफ, पापा जरा सा नाराज हो गए और घर से निकाल दी, इतनी सी बात है और क्या। तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, मेरी खातिर तुम क्यों तकलीफ उठाओगे? तुम्हारे भैया को मैं सब कुछ बता दूंगी। भाभी बताओगी तो क्या होगा पता है, भैया का शक और ज्यादा बढ़ जाएगा, और कहीं बड़े पापा को पता चला तो भैया को घर से निकाल देंगे, लोगों में बदनामी होगी, तब तुम्हें नहीं बड़े पापा को भी सर झुकाना पड़ेगा। आप दोनों के अलग होने से मेरा अलग हो जाना बेहतर है। मेरा सगा भाई भी होता तो मेरे लिए इतना न करता। तुम्हें किन शब्दों में शुक्रिया कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या भाभी, थैंक्स कहकर मुझे पराया बना रही हो। तुम्हें एक बात पता नहीं, मेरे बगैर मेरे पापा रह सकते लेकिन मेरे बड़े पापा नहीं। कल ही मुझे बुला लेंगे और मैं आ जाऊंगा। ए मुन्नी शिला, मेरे भाभी का ख्याल रखना। जाओ भाभी, जाओ भाभी, मेरी फिक्र मत करना। जाओ भाभी। भैया आप एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, अप्रूवल के लिए भेजना है। बाद में देख लूंगा पुरु, पहले तुम जाकर चिंटू को घर ले आओ। अनाथ की तरह वो बाहर क्यों रहेगा? रहने दो भैया, तकलीफ होगी तब जाके उसे जिंदगी की असलियत मालूम पड़ेगी। उसके बगैर तो घर सुनासा हो गया देवर जी। वो आएगा तो इस घर की इज्जत चली जाएगी भाभी। भैया आपकी बात हमेशा मानते आए, इस बार मेरी बात मान जाइए।
अरे छोटू उस्ताद, तेरी बात ही अलग है। लोगों की मदद करने में तेरे बाद बिल गेट्स का नंबर आता है। बिल गेट्स, उसकी दुकान कहाँ है? मारू क्या, उसका दारू का ठेका नहीं है, वो एरोप्लेन का मालिक है। उसने सारी जायदाद दान कर दी, ऐसा पेपर में आया था। भाई मुझे भी एक गैरेज दान करके आपका भी नाम पेपर में आने दो ना। ये अगर गैरेज तुम्हें दे देगा तो पेपर में नहीं आएगा, बल्कि कंगाल होकर सड़क में घूमेगा। क्या बोलते हैं चुट भाई? मजाक उड़ाओ यार, तुम दोनों मजाक उड़ाओ। मुझे गुस्सा नहीं आता, यहाँ से गैरेज चाहिए। बस बस रुको। अरे बाप रे, वो इसी तरफ आ रही है। क्यों, हमारे पीने से उसे तकलीफ है क्या? नहीं यार, आएगी तो पूरा पी जाएगी। ये भी पीती है क्या? एक बार पूरा क्वार्टर एक घूंट पे पी गई थी। अरे बाप रे, बोतल छिपा देता हूँ। अरे यार बोतल में तो पानी है, दारू ग्लास में, इसे छिपा देते हैं। हाय हाय, आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके सर की कसम, हम लोग पी नहीं रहे थे, बस चखना खा रहे थे। चिंटू कहाँ है? पता नहीं, बाहर गया है। जहाँ भी गया हो आएगा ना, यही वेट करो। ये यहाँ क्यों बैठ गई? बैठी तो ठीक है, अपना कोटा कहीं गटक ना जाए। हम बाहर चलते हैं, बोर होके खुद ब खुद चली जाएगी। अगर भजिया खा गई तो? दारू भजिया वही काफी है। अच्छा तो चलो, ओके। अभी आते हैं। बाय। चकना तीखा लग गया। बाप रे, बोतल का पानी नहीं पीऊंगी। अरे बाबरे, उधर देखो, तेरा सारा शराब पिए जा रही है। ये कैसी बेवड़ी है यार, कोई शराब पीने के बाद चकना खाता है, ये चकना खा के शराब पी रही है। ची ची ची। क्यों यार, क्या हुआ? अरे ये जान के कर रही है, अनजाने में कर रही, मुझे कुछ पता नहीं, ये लड़की फिर से पी रही है। यार उसने फिर से पी लिया? वो फो, ये बात उससे जाके पूछ। जा। तू यहाँ क्यों आई है? तुम्हारे लिए एग्जाम्स हो गए, गांव जाकर आराम से पापा को लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी। उन्होंने उसका तो डायरेक्ट लिया अपनी सुहागरात। बीच में शादी की बात भूल गए क्या? वो भूली नहीं यार, कल ही हो गई है। तुझे नशा हो गया, चल तेरा नशा उतारता हूँ, चल आजा। पागल जाना आजा मेरे राजा, आ ले ले मजा, आजा मेरे राजा, आ ले ले मजा। जाना मेरी जाना, छाया है नशा, आजा चढ़ जाना, होने दे खता। सारा सारा प्यार का बारिश ने आज है गुना, रंग रंग बूंदे बारिश की सौंधी बूंदे, करने लगी है दिल दीवाना। गीली गीली बूंदे चाहत की पहली बूंदे, लगी है पागल जाना।
लग रही मस्ती, समझो ना बूंदों का ये इशारा। मैं भी हूँ तुम्हारी, मेरी हर अदा तुम्हारी है, मेरा जो भी सब है तुम्हारा। बारिश ने मिलाया हम दोनों को जाना, ऐसे मौसम में तुम यूं दूर रहो ना। मेरे तन का होने दे मिलन जरा, रंग रंग बूंदे बारिश की सौंधी बूंदे, करने लगी है दिल दीवाना। गीली गीली बूंदे चाहत की पहली बूंदे, करने लगी है पागल जाना। नमस्ते सर। नमस्ते को छोड़ो, जाके मेरे भांजे को देखो तुम। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? पीठ ठीक होने के लिए एक हफ्ता लगेगा, गर्दन ठीक होने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे, पैर ठीक होने के लिए 1 महीना लगेगा। टोटल कितने दिन लगेंगे बता? 6 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है बेटा, इलाज नहीं करोगे तो क्या आत्महत्या करोगे? मैं नहीं मरूंगा, उस चिंटू को मार दूंगा मैं। रुको बेटा, उसका परिवार ऑलरेडी तुम्हारी वजह से अधमरा हो गया। 20 सालों से जो काम मुझसे नहीं हुआ तूने कर दिखाया। उस घर से एक आदमी बाहर आ जाने से मुझे सुकून मिला। ये कैसा शोर है? कौन है वो लोग? ग्राहक है। नए ग्राहक है जिन्हें हमने फ्लैट बेचा। फ्लैट के ग्राहक? इनकी तुम नहीं। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, शांत हो जाओ शांत। वो घर पर नहीं है, आप लोग 10 मिनट पहले आते तो मिल जाते। आप लोग कल क्यों इस बीच भाग जाना चाहते हो? बहुत बुरा होगा। और क्या बुरा होना है भाई, एक हाथ टूटा है, अंदर वाले का पैर टूटा है। इनको मारना कुत्ते को मारना बराबर है। जाओ ना भाई। कर रहे हैं आपके बिल्डर जो 5 लाख में फ्लैट दे रहा है, उसी फ्लैट को आप 15 लाख में दे रहे हो। तुम्हारे पैसे हम भीख में नहीं ले रहे हैं, लैंड वैल्यू के हिसाब से दे रहे हैं। काय का लैंड वैल्यू, उनके साइड से थूके तो तुम्हारे साइड में गिरता है। ये डिस्कशन छोड़ो सर, हमारे पैसे वापस दो। नहीं मिलेंगे। नहीं देंगे तो हमें वसूल करने आता है। क्या वसूलेगा बे? कौन है, चिल्ला क्यों रहे हो? अभी तो बोले घर में नहीं था, अब कहाँ से आ गया? बोलो। अंदर छुपा हुआ है और तुम कहते हो कि नहीं है। ए, ज्यादा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। पहले हाथ नीचे करो, हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, हमारा पैसा नहीं मिला तो। वरना असेंबली में हल्ला कर देंगे, मीडिया के सामने तुम्हारी पोल खोल देंगे, तुम्हारी कंपनी भी बंद करवा देंगे। चलो भाई चलो। याद रखना 1 हफ्ता। छी, क्या है जीजा जी, ये सड़क के भिखारी भी हमारे मुँह पे थूक के गए। हमरा बर्बाद कर देना चाहता है रामकिशन, ओकरा हम दिखाएंगे कि बर्बादी कैसे किया जाता है। वो पुरुषोत्तम इसी मार्केट में है, चुपचाप उसे मार डालो। अरे सुन यार। हाँ। अब चेन गिरवी रखकर दारू पीना जरूरी है क्या? छोटू उस्ताद बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे। क्या तेरे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा? मुझे क्यों डांटेंगे, चेन तो छोटू की थी। तो अरे ये बिल्ला का भाई यहाँ क्या कर रहा है? अब यार ये लंगूर अपने चमचों के साथ लगता है पिछली बार की मार भूला नहीं है, इसलिए फिर से पिटने के लिए आ रहा है। बाबू भाई को पार्टी बाद में देता हूँ, पहले इन्हें देता हूँ। Cheers! अभी यार वो देख, अरे अरे तो ठोकने जा रहा था ना, वापस क्यों आया? वहाँ देख पापा खड़े हैं, एक बार इसे पीटा था तो घर से बाहर निकल दिया, दोबारा देख लिया तो? अगर देखेंगे तब ना। जिंदगी भर घर नहीं आने देंगे, मेरे हीरो के कारण वो विलेन बच गया। चल आजा चल। पापा ये आपको मारने के लिए आए? बकवास मत कर, कोई मुझे क्यों मारने आएगा, मैं तेरी तरह गुंडा हूँ क्या? उस दिन हमारे घर में यही आया था ना। अरे तू कभी नहीं बदलेगा। मेरी बात तो सुनिए पापा, अपनी शक्ल मुझे मत दिखा। पापा 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 मेरी बात सुनिए, पापा मेरी बात सुनिए पापा।
कलुआ पुरुषोत्तम खत्म कर दिया ना। तो क्या खत्म करेगा साले, अगर मेरे पापा के बाल को भी हाथ लगाया ना तेरे बोटिया करके कुत्तों को खिला दूंगा, सबको काट के रख दूंगा। मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। नमत साले। ए! अरे चिंटू, अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या हुआ पुरुषोत्तम? सोचा था वो घर से दूर रहेगा तो बदल जाएगा, लगता है वो इस जन्म में नहीं बदलेगा। वो जरूर बदलेगा, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। उसकी इन हरकतों से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं भैया। ऐसी बदनामी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं भैया। सर सर सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है। हटो रे, हटो। तुम लोग क्या सेटल करोगे? कहीं चोरी करोगे या घर के कागजात लाकर के दोगे? चल हट। ए, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? सर, हम क्रिकेट बुकीज हैं। इन दोनों ने 2020 क्रिकेट मैच में 10 लाख रुपए का सट्टा खेल करके हार गए। हम अपने पैसे मांग रहे हैं तो ये हमें इधर उधर घुमा रहे हैं, परेशान कर दिया। ये क्या किया तुम दोनों ने? हमको पता है कि पैसे कैसे वसूल किए जाते हैं। हम लोग आपके ऑफिस तक आ गए हैं, आपके घर पे भी पहुंचेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए हम आपको चेतावनी देने आए हुए हैं सर। प्लीज प्लीज सुभाष चंद्र जी, सर इन लोगों को पैसा दे दीजिए। ठीक है सर, चलिए। चलता हूं सर। क्या है ये? क्यों किया ये सब? मेहनत से कमाया हुआ पैसा काफी नहीं था जो गलत काम करने लगे? हम पर, हमारे कंपनी पर बहुत विश्वास करते हैं लोग। इस बदनामी का लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारे पापा जी पाएंगे। वैसे तुम्हें कमी किस चीज की है? हर जरूरत तो पूरा कर ही रहा हूं। नहीं, तुम क्या जरूरत पूरा करोगे? ये मेरे पापा की जायदाद है। तुम अपना पैसा नहीं दे रहे हो ना? हमारा पैसा, हम कुछ भी करेंगे। हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? मेरे बच्चों के लिए खिलौने खरीदने हो, मेरी पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी हो तो आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। तू ऐसी जिंदगी पे, मेरी पत्नी के मर जाने के बाद तुझे और तेरे बेटे को घर में पनाह दी मेरे पिताजी ने। इस कंपनी में सब की तरह आप भी एक नौकर हो। उनको तनख्वाह देते हैं और आपको इज्जत देते हैं। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। चलो भाई, डॉक्टर फर्स्ट अटैक में इतना सीरियस होना, इट्स अ वेरी रेयर केस। क्या उसने कोई शॉकिंग न्यूज़ सुना है? ऐसा कुछ सुना नहीं डॉक्टर, अपने बेटे के बारे में चिंता करते रहता था। उसके बारे में सोच कर ही उसकी हालत हो गई होगी। He is very critical, Mr. Ramkishan. चाहे जितना भी पैसा लगे, किसी भी तरह मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। We are trying our level best, sir. Don't worry. ऐसी बदनामी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं भैया। जिंदा है या मर गया यही देखने के लिए आए हो ना? बड़े पापा, तेरे जेब में तो पैसा रख पाया लेकिन तेरे दिल में प्यार नहीं रख पाया बेटा। तुझे देखकर उसकी अधूरी जान भी चली जाएगी। हो सकता है तुझे बाप की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे भाई की जरूरत है, जरूरत है। बैठे हो? मेरे वजह से ये सब हुआ है।
आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होकर किसका भला करूं बेटी, अपने इकलौते बेटे को तो सही राह दिखा नहीं सका। चिंटू को बुरा मत समझिए पिताजी, ऐसे बेटे को पाने के लिए आपने बहुत अच्छा कदम किया होगा। वो न होते तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं होती। तुम क्या कह रही हो बेटी? सगाई के दिन उन्होंने जो झगड़ा किया था मेरी इज्जत बचाने के लिए, मैं शालू की सगाई के लिए कपड़े खरीदने गई थी, तभी उसकी गलती ना होते हुए भी आपने उसे डांटा मारा। चिंटू सर झुका के घर से निकल गया सिर्फ मुझे बचाने के लिए। पिताजी आपको चिंटू पर गर्व होना चाहिए, न कि शर्मिंदा। मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ बेटी। चिंटू तुम्हारे पापा तुम्हें मिलना चाहते हैं। सच कह रही हो? तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। पापा मुझे माफ कर दो बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? तुम्हारे बारे में सच्चाई जानने तक मैं जिंदा। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा, मैं अपने बेटे का चेहरा देखते हुए आंखें बंद कर लूंगा। ऐसा मत कहो पापा। इतने दिन तुम्हें समझ नहीं पाया बेटा, हमेशा सोचता था कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया एक बार भी नहीं सोचा बेटा। पुरानी बातों को भूल जाए। एक बाप होकर मैंने तुम्हें क्या दिया बेटा, जिम्मेदारियां दे रहा हूँ। तुम्हारे दोनों भाई गलत रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं। पता है पापा, बड़े पापा की हिफाजत करना। जरूर करूंगा पापा। डॉक्टर साहब, अपना चिंटू बेटा। आपके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सारे रिश्ते मेरे भाई के साथ राख नहीं है, अब वही नहीं रहा तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। स्वामी ओपन करो। आप जब भी मंदिर आते हैं प्रसाद देने के अलावा आरती की थाली में चवन्नी भी नहीं डालते, फिर आज 10 लाख क्यों डाले? 50 लाख खर्च करके भी हम पुरुषोत्तम को मार नहीं सके। हथियार नहीं, खून नहीं, केस नहीं, पैसा खर्च भी नहीं, चुटकी में जान ले लिया इसका। आज ही फैसला कर लिया, भगवान ही हमारा पार्टनर है। आपकी खुशी को देखकर लगता है कि भगवान के सर पर भी सोने का मुकुट चढ़ जाएगा। मुखौटा तो का, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा तो सोने का मंदिर बनाऊंगा। उसका भाई तो मर चुका है, राम कृष्णवा को और दिन एक प्रॉब्लम दे के तड़पाऊंगा। ये छोटू भाई है? क्या छोटू भाई, अरे मोहल्ले का गुंडा हूँ क्या ऐसे बुलाती है? पर यहाँ आई क्यों है?
क्या बात है, घर से भाग आई हो क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? इसके अच्छे बुरे का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा ना। ये सामान ऊपर रख दो। मेरे गैरेज को धर्मशाला समझ रखा है क्या? जिसे देखो मुंह उठाया जा रहा है। पापा को अपने प्यार के बारे में बताने से पहले वो मेरा रिश्ता कहीं और देखने लग गए। लेकिन मैं तो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हूँ ना, और पढ़ाई करनी है ये कहकर यहाँ चली आई। पढ़ाई करने आई हो ना, बड़े पापा के घर जाओ। बड़े पापा के घर क्यों जाऊँ? ऐसे वक्त तुम्हारा साथ देना चाहिए ना। ये तुम कमर क्या हिला रहे हो, इसे कुछ कहो ना। क्या कहा? कमर हिला रहा हूँ? मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर जाओ मैंने माफ किया। तुम यही रहो बेटी, यही रहो। ए, ये लड़की यही रहेगी बस। ये यहाँ नहीं रहेगी, तेरा रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, पहले से प्रॉब्लम्स है। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, तुम अपने कमरे में सो जाना, मैं बाजू में सो जाऊंगी। उतने कमरे नहीं है, ये राजमहल नहीं है, सिर्फ एक कमरा है। वही तो कह रही हूँ, तुम अपने कमरे में सो जाना, मैं तुम्हारे बाजू में सो जाऊंगी बस। नीचे बहुत मच्छर है, मेरी बात तुझे समझ में नहीं आती, चल जा यहाँ से, चल खिसक। अकेली ही है, लगता है गांव से आई है। चलो पूछते क्या, चल यार तफरी लेते हैं। चलो चलते हैं। क्या चलूंगी? हाँ ये क्या यार, पूछते यहाँ कर दी, आइटम है यार, देखता नहीं है क्या? एक की बात पहले कर ले, बाद में झमेला नहीं चाहिए। हाँ कितना? हाँ? रेट कितना है बता दो। वो मुझे पता नहीं, ऊपर मेरा आदमी है, उससे जाके पूछ। हाँ? ऊपर अरेंज करने वाला है। कौन है भाई? ए, कौन हो तुम लोग, इतनी रात को यहाँ कैसे? बाहर जो खड़ी है उसका रेट कितना पूछने आए थे। बाहर कौन खड़ी है पप्पू? वही भाई, बाहर पुरानी हीरो होंडा है ना, उसे बेच डालो। सुन, खरीदने का कोई टाइम नहीं है क्या? जब चाहिए तब मिल जाएगा क्या? अरे इसका भी कोई टाइम होता है सर, जब मूड में आया तो ले लिया। क्यों? पसंद आया क्या तुझे? बहुत पसंद है सर। पसंद आया क्या? सुपर है सर, जल्दी से रेट बताइए, हम रुक नहीं पा रहे हैं। पसंद आ गई क्या? तो 15,000 दे दो। 15,000 बहुत ज्यादा लग रहा है क्या? अच्छी कंपनी की है, बहुत कंफर्टेबल रहेगा, सीट देखा है ना? बहुत अच्छी है, 15,000 बहुत ज्यादा है, 5,000 में एडजस्ट कीजिए ना। क्या 5,000? बाजू के गैरेज में ब्लैक खड़ी है, उसे ले जाए। अच्छा जाने दीजिए, ब्लैक को छोड़िए, व्हाइट को ही ओके कर दीजिए। व्हाइट ही चाहिए ना? तो 15,000 देकर ले जाइए, ज्यादा चली भी नहीं है, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। पुलिस भी नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी यार, सारे पेपर्स क्लियर है ना। पेपर्स? हाँ यार, आरसी बुक, इंश्योरेंस पेपर, सब क्लियर है, बता रहा हूँ ना। यार किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो बाहर जो लड़की खड़ी उसके बारे में ना। बाहर कौन सी लड़की है? इतनी देर से उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे तुम लोग? उस गाड़ी का ऑनर मैं नहीं हूँ भाई, अंदर सोया है, रुको बुलाता हूँ। ए तेरी गाड़ी का ग्राहक आया है, भानु के लिए 3 ग्राहक आए हैं। अरे सर रेट तो बताइए ना। सर हमें क्यों मार रहे हैं? उसी लड़की ने तो बोला था रेट के बारे में बात करने के लिए। अरे जाकर अपनी आइटम से पूछना। ये रेट बेट का क्या चक्कर है? तो क्या करती, तुमने तो कमरे में आने नहीं दिया। आने नहीं दिया तो मोहल्ले में दुकान खोलेगी? अभी कमरे में नहीं आने दिया ना, तो जो भी आएगा उसके साथ चली जाऊंगी। ओहो, आफत की पुड़िया कहाँ से आ गई? रेलवे स्टेशन में। ठीक है अंदर चलो। चलो
सब देखे है चारू बावरी 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 क्या सोचे तू वो बावरी रोगे से रहता ना कभी ये इश्क सफर है सुंदरी जरा तू मुझसे खफा ना हो ना तू थोड़ी सी कर लू खता तो मान बुरा मत जाना तू तुझसे मेरी खुशी है जान लो तेरी बाहों में है मेरा जहां तुम मेरी जिंदगी तुम जान हो मैं कौन हूँ नहीं मुझको पता ये प्यार में कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में सबसे टकराऊंगा जा सारी दुनिया से मैं लड़ू दुनिया की तो बात क्या मैं तो रब से भी जा मिलूं दोनों के बीच जो आ जाए हो जाने जा जाने ले वो तो गया हम बादल से भी अपनी धुन में रहे हो हम करते तू पास से सामना सुनना में हो उसको पी जाऊंगा अरे गंदा हो उसको खा जाऊंगा सर पुरुषोत्तम जी ने हमारी कंपनी में इंश्योरेंस किया था पेपर्स देख के सिग्नेचर कीजिए मेरी साइन किस लिए नॉमिनी आप ही है सर उनके डेथ सर्टिफिकेट बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी है तो कल आकर ले जाऊंगा आता हूं सर नमस्ते राम किशन जी दुश्मन आपके घर क्यों आया सोच रहे हैं अशुभ हुए घर में शुभ कार्य होने से सब अच्छा होता है जाने अनजाने में हमारी वजह से आपकी बेटी की सगाई टूट गई हमारा इकलौता बेटा है नू आपको एतराज ना हो तो हमारा बेटा से आपकी बेटी की शादी करवाएंगे शैतानी दिमाग चलाना तो कोई इससे सीखे हरामी कहीं का वो लोग तो आपका रिश्ता तोड़ कर गए हैं मगर हम जोड़ने आए हैं घर आए मेहमान को बेइज्जत करना हमारे रिवाज में नहीं है वो अभी तक पुरानी बातें भूले नहीं है आप तो समझाओ अपने पिताजी को हमारे पिताजी अभी चाचा जी के मौत के गम में डूबे हैं हम उनसे बात करके मना लेंगे आप चिंता मत कीजिए ये तुम क्या कह रहे हो भाभी
ए, किसने इस गुंडे को अंदर आने दिया? बाहर निकालो इसे। अंकल जी मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चुपचाप चले जाओ। उस दिन जो कुछ हुआ उसका कारण मैं और मेरा गुस्सा। मुझे मारिए बेटी, लेकिन मेरा गुस्सा मेरी बहन पे मत निकालिए प्लीज। जो भी हो मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। बेटे की मर्जी के बगैर उसकी शादी करेंगे? मुझे अपने परिवार का मान सम्मान भी देखना है। मान सम्मान तो हमारे भी है। मान सम्मान की बातें तेरी जुबान से सुनकर मुझे हंसी आ रही है। टपोरियों की तरह घूमने वाला तू एक राजा है और तेरे बड़े पापा महाराजा हैं। क्या परिवार है तेरा। मेरे घर आकर मेरे गिरेबान पर हाथ डालते हो? मारिए सर, रुक क्यों है? आपका गुस्सा ठंडा होने तक मारिए। आपका गिरेबान पकड़ा तो आपको इतना गुस्सा है? एक बाजार का गुंडा, मेरे बड़े पापा पे हाथ डाला तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आया था सर। आप बड़े लोग, सगाई तोड़ सकते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में प्यार करते हैं सर। दया करके मेरी बहन को आपके घर की बहू बनाइए सर। अगर आप मुझसे अब भी नाराज है तो मैं आपके पैर पड़ता हूं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपनी बहन की खुशी के खातिर दूसरों के पैर पड़ने वाला गुंडा नहीं हो सकता। ये शादी तुम अपने हाथों से करो बेटा। नहीं सर, जब तक मेरे बड़े पापा मुझे नहीं बुलाते, आशीर्वाद देने का नसीब मुझे नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बहन की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। जरूर होगी। हाँ। तुम्हारे हाथों से ही होगी। क्या शालू, तुम भी ना? छोटे भैया से मिले बगैर जा रही हूँ। कम से कम उससे एक बार तो मिल लेती। इनके सामने कैसे आ सकते हैं, जाते ही फोन करते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, समबडी इज कॉलिंग यू। सॉरी, आप नहीं जा। समझ नहीं आ रहा अंकल, आपको कैसे बताऊं? आपकी बेटी भानु हमारे चिंटू के साथ घूम रही। जब वो हमारे घर आई थी तो चिंटू ने उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया था। भानु जब से गांव से आई है एक दिन भी इस घर में नहीं रही। अंकल, सुना है कि चिंटू के किसी दोस्त के गैरेज में रहती है। उस गुंडे के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं है। कल को कुछ हुआ तो हमें दोष मत दीजिएगा। आपकी बेटी को समझा बुझाकर अपने गाँव वापस ले जाइए। ठीक है बेटा। चाचा जी, चिंटू ऐसा लड़का नहीं है। चाचा जी, उससे बदला लेने के लिए वो लोग आपको भड़का रहे हैं। चिंटू बहुत अच्छा लड़का है। मैं सबको जानता हूँ बेटी, हमेशा आपके घर में रहती हूँ कहकर मेरी बेटी मुझसे झूठ कहा करती थी, लेकिन भानु के वहाँ पहुँचते ही चिंटू ने मुझे फोन कर दिया था। आजकल बिना बताए बच्चे शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए मेरी बेटी उसके पास गई तो ले जाओ कहकर फोन किया, तभी मैंने फैसला कर लिया वही मेरा दामाद होगा। अर्जेंटली आओ कहा तो मैंने कुछ और समझा था। अगर जानता कि ये बात है तो मैं नहीं आता। चलता हूँ बेटी। हेलो, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। पापा तुम्हारी और चिंटू की शादी के लिए मान गए हैं। सच में दीदी, अगर तुम मेरे पास होती ना तो मैं जोर से चूम लेती। ये सारी चुम्मियाँ शादी के बाद चिंटू को देना। Thank you.
दू ओके सबसे तू ओके तेरा जलवा ओके है तेरा चलना ओके है तेरी मुझे ओके है मर्दानगी ओके कर ले शादी ओके और मेरे संग डांस ओके जिंदगी भर साथ का वादा कर ले ओके लड़का मेरा दिल रोके रह गया तेरा होके अब तो है तेरे संग जीना मरना ओके तेरा चेहरा ओके तेरी खुशबू ओके तेरा जादू ओके सबसे तू ओके भैया मेरे साथ साथ मेरा भाई भी पागल हो गया ना इसलिए जश्न मना रहा हूँ एक पुरुषोत्तम क्या मर गया भगवान ने हम पर दया कर दी ये सोचकर बहुत खुश हो गए थे उसकी मौत से हमें क्या मिला उसके घर में शादी का खाना हमारे घर में श्राद्ध उस दिन तुम्हें पूरे गांव से पिटवाया था और आज फ्लैट खरीदे हुए लोग तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं जो घाव लगा है उस पर मरहम ही लगाते रहोगे या पलट कर वार भी करोगे नमस्ते सर नमस्कार कोर्ट का स्टे ऑर्डर है इसलिए यह विवादित जमीन है सर कानूनी तौर पर यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता पिटीशन में पेपर्स बहुत स्ट्रांग है सर लैंड उनकी ही है ऐसा रजिस्टर में कंफर्म पता चल रहा है सर स्टे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए जितने भी रास्ते हो सब बताइए जन निवास कंस्ट्रक्शन किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए हम भी कोर्ट जा सकते हैं सर लेकिन वो कब क्लियर होगा कितने साल लगेंगे पता नहीं सर अगर हम तब तक रुकते भी हैं तो फैसला हमारे हक में होगा ये कंफर्म नहीं है सर
मैं सबकी गुलामी करके मिनिस्टर बना हूँ, हर वक्त प्रजा सेवा करूंगा, तो इलेक्शन में लगाया हुआ पैसा कब वसूल करूंगा? पैसों के बगैर कुछ नहीं होता, जाओ यहाँ से, ऐसे लोगों से मेरी बीपी बढ़ जाती है। अरे बेचारा मिनिस्टर है, इसको भी खाने दो, हर घंटे में लाख दो लाख रुपया जनता क्यों खाने नहीं देती हमें? जनता ऐसी ही है सर। ए, बैल की तरह सर मत हिला। रोक दिया सर। प्रोग्राम्स क्या है ये बताता हूँ। 10 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपनिंग है सर। जाऊंगा तो क्या मिलेगा? एचआईवी टेस्ट फ्री में करेंगे सर। इसकी जरूरत नहीं मुझे, कैंसिल करो, नेक्स्ट। और 11 बजे यूनियन लीडर की मीटिंग है सर, वहाँ तो कुछ मिलेगा ना? उसको पुड़िया बना करके जेब में रख लेने के लिए बोल, पैसे देने वालों का नाम बता, अनाज के दुश्मन। अरे फोन बज रहा है, पूछ कितना देगा वो मुझे। हेलो, मैं हूँ यार तेरे मिनिस्टर का जीजा, फोन उस गधे को देना। ठीक है सर, आपके जीजा जी हैं। जीजा जी, पैसे आ गए क्या? ट्रक भर भर के आया, आजा उसके साथ तुझे भी आग लगा दूंगा। ये क्या है, कौन है ये? कौन है रे तू? श्री कृष्ण परमात्मा, पहल का जानते हो ना? अबे तू कहाँ से टपक गया, तू उसका कैमरा मैन है क्या? तेरे रिश्वत की कहानियाँ, लड़कियों के साथ रंग रलियाँ शूट करके कैसेट में रखा है। ए, ऐसे फालतू धमकियाँ मैंने बहुत सुनी है। 11:30 बजे यूनियन लीडर्स की मीटिंग में जाने से पहले तेरा सारा भांडा फोड़ दूंगा, तुझे मंत्री पद से हटा के रहूंगा। कौन है रे तू, क्या चाहिए रे तुझे? मैं जहाँ कहूँ अगर वहाँ तू आएगा तो खुल कर बताऊंगा। अरे कहूँ मेरे स्वामी, ये लो मैं आ गया। प्रभु किशन भगवान, कहाँ हो तुम? आवाज तो दो, बांसुरी तो बजाओ, आवाज सुनकर पहचान लूंगा मैं। मामा, कंस मामा, यहाँ देखो। वाह प्रभु, कैसे हैं आप? क्यों मामा, सारे भारतीयों को लेकर शादी में आए हो क्या? नहीं तो कैसेट मिलते ही मुझे मारने के लिए ले आए हो? पर्सनल सिक्योरिटी है प्रभु, हालत पतली है। पर तुम तो लाल कार में बैठकर फार्म हाउस जा रहे थे ना, जब मीडिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ते, तब ये सारे लोग कहाँ थे मामा? नाराज मत हो भांजे, मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो, अगर ये लड़के ना रहे तो मैं जी पाऊंगा क्या? वैसे भी मेरा समय बुरा चल रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ, महीने में 20 दिन फॉरेन में एंजॉय कर रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बेशर्मों की तरह जो रिश्वत मिल रही है उसको लेकर के बैंकॉक में बन रहे होटल को पूरा करने के लिए मैं पापड़ बेल रहा हूँ। नकली पासपोर्ट से लड़कियों को फॉरेन लेके जा रहे हो, उसमें कुछ मिला नहीं क्या मामा? कौन ले जा रहा है भांजे, पिछले महीने दुबई की बिकी है। रिसेंटली उमापति ने आरके बिल्डर्स की वेंचर को रोकने के लिए 4 करोड़ दिया था ना, हजम कर लिया क्या? उसने तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए भांजे, उसने 4 करोड़ की हवा उड़ाई क्या? सभी लोग मुझे बंदर की तरह ना चाह रहे हैं भांजे। और तुम भी यही है ना जासूसी कैमरा, मैंने सब कुछ तेरे हिसाब से बता दिया ना, और कुछ तो बाकी नहीं रह गया मेरे भांजे। इसके बलबूते पर तू मुझे और मेरी मनीषा की कुर्सी हिलाना चाहता था सयाले, बताता हूँ। ए, खत्म कर दो इसको। उसे हिलाने आए थे, लगता है वही हमें हिलाने चाहिए। मार इसको। अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। हाँ लाउट सर, लगता है हमें भी निकलना चाहिए। चलो। ओए मामा, तू पीछे से वार करता है तो मैं सामने से करता, तेरी पूरी फिल्म को फिनिशिंग टच तू किया है? या। मेरे दोस्त, मैंने बहुत अच्छे से क्लोजअप करके फोटो निकाली है। अबे पसीना छूट रहा है क्या बे? अरे तेरा बचना बहुत मुश्किल है। शराफत से चुपचाप आरके बिल्डर्स की फाइल क्लियर करो, नहीं तो मेरे दोस्त की फोटोग्राफी टीवी पर आ जाएगी, 1 घंटे में तेरी कुर्सी खाली हो जाएगी। करा दूंगा भांजे, अभी क्लियर करा दूंगा। तेरा सर घूम रहा है का? अरे घूमने के लिए सर तो होना चाहिए ना, अब तुम्हारा काम नहीं हो सकता। ए, ये केस करने वाले बहुत कौन है, अपने हाथ उठाओ। सुनो, तुम जाकर ये झूठा केस है कहकर अपना केस वापस ले लो, अगर अंदर हो गए तो सरकारी मेहमान बन के रह जाना। हाँ तो हमारा पैसा तुम कब दे रहे हो? बालाजी के उंडे में डाल दिया समझो। अरे तुम क्या जानो मेरी परेशानी, मेरी पैंट गीली हो गई है। तुझे इतना डराने वाला मर्द कौन है? बाएं हाथ से उठा के फेंक दूंगा। टच करके देख, बिना छुए सर काट के फेंक दूंगा तेरा। अब अच्छा लग रहा है ना? आर के बिल्डर्स को गिराने के लिए तू एक ही ईंट निकाला तो उसी ईंट से तेरी समाधि बना दूंगा मैं। ब्लेड, ब्लेड जैसा हूं मैं, तेरा गला कब काट के रख दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। आर के बिल्डर्स से तू टकराना नहीं। सुन लिया ना, अब क्यों करे हो तुम लोग, उसमें से तुम्हारा भी गला मौजूद है। जल्दी से जाकर के केस रफा दफा करो, जाओ ना, जाओ यार। आ, 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 आ,
हमने सोचा था कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, आज सारे सपने सच हो गए। आपका परिवार सुखी रहे। ये क्या तेरी आंखों में आंसू? मैंने बड़े पापा के आंखों में प्यार देखा। जब तेरे बड़े पापा तुझे घर बुला लेंगे उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा मेरे यार। आप हुंडी में जितने भी लाख डालो भगवान उन्हीं की तरफ फल दे रहा है, और आप जितने प्लान बना रहे हैं उसे चिंटू बर्बाद कर रहा है। वो चिंटुआ का बैंड कैसे बजाना है हमरा पता है। ए, बिहारी को फोन लगा। आतंकवादियों ने नारियल में बम रखकर ब्लास्ट किया, अब तो जीना मुश्किल ही हो गया है, पता नहीं अगला नारियल कहाँ फटेगा। भाई ये नजर उतारना हमारे लिए ठीक नहीं है, मेरी बात मानो ना। क्यों रे, इस पंडित से भी मार खाऊंगा मैं। घबराहट पनौती कहीं का क्या है भाई? इस पे फूल है रे पप्पू। क्या फूल है? इसको फोड़ दूंगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। गुरुजी फोड़ दूं क्या? हाँ यजमान, अमृत घड़ी आने में थोड़ा समय बाकी है। भाई नहीं, भाई मेरी बात सुनो ना। अरे पागल है क्या तू? मैं क्या बेवकूफ दिख रहा हूँ? ये क्या है भाई? थैली है, इस नारियल को इसमें डालकर फोड़ूंगा तो टुकड़े नहीं उड़ेंगे, चोट नहीं लगेगी। भाई तुम बहुत आगे चले जाओगे भाई। अभी नहीं रे, थोड़ी देर बाद फोड़ दूं क्या गुरुजी? अमृत घड़ी आ गई है, अभी फोड़। चका चाय चाय चका चका चाय चाय। अब फोड़ता हूं गुरुजी। रुको यजमान। अब क्या हुआ? यहाँ आओ। ये ईस्ट साइड है, पूरब के सामने फोड़ दो। ओह ऐसा क्या? ये क्या हो गया? बहुत दूर जा रहे हो भाई। हेलो, व्हाट? क्यों भैया, क्या हुआ? हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो बताता हूँ। सुनिए, ऐसे समय आप वहाँ बन जाइए प्लीज। पिताजी वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, मत जाइए। हमारे बच्चे भी घर पे नहीं है, आपके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। मरने वाले मजदूर है, सोचकर बाकी लोगों को तड़पने के लिए छोड़ दूं? उन लोगों ने मेरी कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, गुस्से में मुझे मारना चाहे तो मारने दो। और कोई कारण नहीं है, यहाँ कोई भूकंप थोड़ी आया था जो बिल्डिंग गिर जाएगी, तो मिलाट के रेत से गिर गई है। उस एरिया में 3000 का भाव हम दे रहे हैं, उसे 600-700 में दे करके लोगों को बुद्धू बनाया, अब देखिए कितने लोगों की जान चली गई। अरे बिल्डर्स के लापरवाही से बलि चढ़ने वाले गरीब परिवार जनों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। विश्वास करो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अब फिर ये कैसे हुआ, इसका कारण कौन है, मैं पता लगवाऊंगा। वो सब इंक्वायरी में पता चलेगा, प्रिकॉशनरी एक्शन के तहत हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अरे बम इसने रखा था। Thank you.
पैसा नहीं मिला तो बिल्डिंग को बम लगा के उड़ा दिया। अरे शैतान, तुम्हारे घर के झगड़े घर में सुलझा लो, हम गरीबों के जान के पीछे क्यों पड़े हो? इससे बातें क्या कर रहे हो, इसे पकड़ के मारो। जाने वाली आरके बिल्डर्स की जमीन निवास विवाद में एक नया खुलासा हुआ है। जायदाद में हिस्सा ना मिलने और घर से बाहर निकाल दिए जाने के कारण उसने गुस्से में ये काम किया है। आरके बिल्डर्स के भाई के बेटे ने झूठ बोल करके मेरी कंपनी को जिंदा कर दिया। ये क्या किया बेटा? बड़े पापा को बदनामी से बचाने का रास्ता नहीं था, इसलिए बम मैंने रखा। ये झूठ कहा। तूने झूठ कहा? क्या कह रहे हो? पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि बम रखने की वजह से बिल्डिंग गिरी। अगर वो बम रखने वाला नहीं मिला तो तुम इस केस से बाहर नहीं निकल सकते चिंटू। भाई बहुत गजब हो गया है। उस बिहारी बम वाले को छुपा कर रखा है ना आपने, उस चिंटू ने उसका पता लगा दिया है। चिंटुआ तो जेल में है ना? बेल पे छूटकर बहुत समय हो चुका है भाई। ये बात मानकर बिहारी बम वाले को कहीं और शिफ्ट कर दो। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया ना तो सीधा आपको भी जेल जाना पड़ेगा। खोजो उस बिहारी को। वो यही है जीजा जी। है, है, अबे उड़ रहे, यहां से निकलना होगा वरना चिंटू आ जाएगा। आ गया हूं। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, चलो आ जाओ। बात मानकर उस बिहारी बम वाले को कहीं और शिफ्ट कर दो। चिंटू को पता चल गया है बहुत मुश्किल हो सकती है। अब मैं चलूं सर? अरे कहाँ जाओगे, अब तो खेल शुरू होगा। मेरी पैदाइश बब्बर शेर की, शिकार नहीं भूलता, कहीं भी भागो पीछा नहीं छोड़ूंगा। चाहे जितनी भी ताकत लगा ले इस बिहारी को अदालत ले जाकर रहूंगा। इसके साथ तुझे भी अंदर कर दूंगा। आ जा, तोड़ डालूंगा। अब लेकर जाओ कोर्ट में गवाही देने के लिए। जज साहब उराम किसनवा के बिल्डिंग में बम रखने वाला मैं ही हूँ। उमापति ने रखने को कहा तो मैंने रख दिया साहब, कहकर आराम से बोलो। अरे बिल्ला भाई तुम थोड़ा रुको तो मैं तुझे हंसने का चांस नहीं है बच्चू। तो एक सीटी मार लूं। कैमरे में कोई राज है क्या? सुपरमैन की तरह कैमरे को लेकर उतरा है। लाइक स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन, आई एम ए कैमरामैन। अरे तुम लोग की सारी करतूतों के रिकॉर्ड में कर चुका हूँ। बहुत मस्त फोटोजेनिक फेस है कमीने का। तेरे जैसे चवन्नी छप का अगर इतना दिमाग है तो मैं तो एडुकेटेड हूँ, मेरा कितना दिमाग चलेगा सोच। अरे बाप रे, ये फिर से बाहर खाने के लिए आ रहा है। पुरुषोत्तम जी के गुजर जाने के बाद ही मैं नौकरी छोड़ देना चाहता था। तुम दोनों मुझे क्या डिसमिस करोगे? मैं खुद नौकरी छोड़कर चला जाता हूँ। क्यों रे, ज्यादा चर्बी आई है क्या? बिल्डिंग गिराने वालों की तरफदारी कर रहे हो? कितनी रिश्वत दी है इसने? तमाम खींच कर हाथ में दे दूंगा अगर चिंटू बाबा को कुछ कहा तो। सुभाष चंद्र जी माफ कर दीजिए सर, चिंटू बाबा के बारे में गलत कहा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। बिल्डिंग गिर जाने के बाद
पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी सोचकर भाग गए थे ये लोग। आपके हाथों में हथकड़ी ना लगे इसलिए मैंने बम रखा है ऐसा सबसे कहकर वो खुद अरेस्ट हो गया सर। रुकी हुई छोटी मैम साहब की शादी चले गए हुए लोग वापस आने की वजह से नहीं हुई सर। बहन के खातिर उनके घर जाकर उनके पैर पकड़कर शादी करवाई आपके भतीजे ने। आपका सगा बेटा पत्नी पर शक करके उसे सता रहा था तो भाई की पत्नी के खातिर अपमान सहकर बेकसूर होते हुए भी सर झुकाकर चला गया अपना चिंटू बाबा। आपको भगवान समझने वाला आपका छोटा भाई अपने बेटे की वजह से अपनी जान नहीं गंवाई। इनकी बदतमीजी की बातें सुनकर दिल का दौरा पड़ने से भगवान को प्यारे हो गए। नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहे हैं। जी पापियों, मुझे धोखा देना चाहते हो? अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है चिंटू। ए, पेट्रोल डालो। अरे चिंटुआ, तेरे साथ तेरा गांव भी जलकर राख हो जाएगा, तब तेरे बड़े पापा भी तेरे पाप की तरह दिल का दौरा पड़कर मर जाएंगे। हम लोग 20 साल का बदला इस सांप के जरिए ठंडा हो जाएगा। मेरे बेटे को जलाना चाहता है। इतने दिनों तक वो मेरे लिए तकलीफ सहता रहा, अब मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आ जा। इसके आंखों के सामने इसके लड़ने को जलाकर राख कर दो। इतने दिनों तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया बेटा, हमारी खातिर अपनी जान दांव पे लगाकर इतना कुछ किया तूने, क्या देकर तेरा एहसान चुकाऊंगा बेटा? एहसान कैसा पड़ेगा,